क्लाउस और वरुका वो चाइना आए हैं चार चेंगशन वेपन्स ढूंढने के लिए. उन्हें एक मिल गया है और चारों मिलते ही वो दुनिया को तबाह कर देंगे. दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे. दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2008 में रिलीज हुई फू पांडा फिल्म के बारे में. तो फ्रेंड्स ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पे हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज किस वीडियो के अंदर आप लोग को देने वाले हैं. और साथ ही साथ आज किस वीडियो में हम बात करेंगे फू पांडा मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में. और दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे इस मूवीज को बनाने में कितना डॉलर खर्च हुआ था और इस मूवी ने कितनी कमाई किया था साल 2008 में रिलीज होने के बाद. इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवीज की कहानी के बारे में. और दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फू पांडा मूवीज को. तो अगर आप लोग अमेरिकन भाषा को हिंदी डब में देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा. तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं. दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें ये मूवी साल 2008 में रिलीज हुई अमेरिकी एनिमेशन मार्शल आर्ट कॉमेडी फिल्म है जो कि ड्रीम वर्क एनिमेशन द्वारा इस मूवीज को निर्मित किया गया था और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा इस फिल्म को दुनिया भर में वितरित किया गया था. इसी के साथ दोस्तों फू पांडा ये फिल्म जिसकी रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं इस मूवीज को फ्रेंचाइज में पहले किसके तौर पर जाना जाता है जिसे जॉन स्टीवेंसन द्वारा निर्देशित किया गया था और उनके फीचर निर्देशन में पहली फिल्म है. वही भी आपको बता दें मार्क उस बोर्ड द्वारा सह निर्देशित किया गया था इस मूवीज को. और उनके अलावा फिल्म में जोनाथन एबेल और ग्लेन बर्जर द्वारा इस फिल्म की कहानी लिखित की गई है. वही भी आपको बता दें साइरस बोरिस की कहानी से फिल्म में जैक ब्लैक उनके अलावा डस्टिन और हाफ मैन जो है एंजेलिना जोली इस फिल्म में करते हुए दिखाई दिए थे. उनके अलावा ईयर मैक्सिन और फिर जो है सेठ रोजन भी इसमें थे. लूसी लियो को भी इसमें देखा गया था. दोस्तों ये फिल्म उस वक्त रिलीज हुई थी साल 2008 में और उस वक्त सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में इसे जाना जाता है. इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का प्रचारित काम अक्टूबर 2004 में शुरू हुआ और इसकी कल्पना ड्रीम वर्क्स एनिमेशन के कार्यकारी माइकल लेचेस ने देखा था. माइकल यहाँ पे लेचेस ने मूल रूप से मार्शल आर्ट फिल्मों की पैरोडी के रूप में की थी. हालांकि निर्देशक जो है स्टीवेंसन ने इसके बजाय एक एक्सेस कॉमेडी और फिर जो है बुक्स या फिल्म बनाने का फैसला किया था इससे पहले जिसमें जो है मुख्य किरदार के लिए नायक की यात्रा की कथा को शामिल किया गया था. वही जिसमें कंप्यूटर एनिमेशन इस बार जो है था लेकिन वहाँ पे ड्रीमवर्क्स द्वारा पहले की गई किसी भी चीज़ की तुलना में अधिक जो है जटिल था इस फिल्म की कहानी. वहीं पे परियोजना की आधिकारिक घोषणा सितंबर 2005 में की गई थी और फिर फू पांडा के लिए स्कोर अधिकांश ड्रीमवर्क्स और फिर एनिमेशन फिल्मों की तरह हर्ष जीवर द्वारा तैयार किया गया था. इस बार वहाँ पे जॉन जो है पावेल के साथ सहयोग करते हुए पूर्व ने संस्कृति को आत्मसात करने के लिए चीन का दौरा किया और चीन यहाँ पे नेशनल जो है सिम्फनी के साथ यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा का उपयोग किया और वहीं पे स्कोरिंग जो है प्रक्रिया के भाग के रूप में काम किया था. इसी के साथ दोस्तों फू पांडा फिल्म को सीधे 6 जून 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसने रिलीज होने के बाद 130 मिलियन डॉलर के बजट पर बनी 631.7 मिलियन डॉलर की कमाई की जिससे ये फिल्म 2008 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म में से एक रही थी. वही दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को सबसे बेहतरीन एनिमेशन फिल्म का अवार्ड भी दिया गया जहाँ पे श्रेक फ्रेंचाइजी के बाद अमेरिकी और कनाडाई बॉक्स ऑफिस पर जो है ड्रीमवर्क्स और फिल्म के लिए चौथा सबसे बड़ा शुरुआती हफ्ता होने के अलावा इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी और इसे अकेडमी पुरस्कार के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया लेकिन दोनों पुरस्कार वाल इससे हार गए और फिल्म की सफलता ने एक मल्टी मीडिया फ्रेंचाइजी को जन्म दिया जिसमें जो है फू पांडा 2011 में रिलीज हुई और फिर फू पांडा 3 2016 में रिलीज हुई. उसके बाद फू पांडा 4 मूवी साल 2024 में रिलीज होने वाली है.
आइए दोस्तों अब एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी को। दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है शांति की घाटी में प्राचीन चीन में, वहाँ पे मानव रूपी जानवरों का निवास स्थान विशाल पांडा पो मिस्टर पिक नाम के अपने दत्तक हंस पिता की मदद करते हैं। वही अपना जो है नूडल रेस्तरा भी चलाते हैं और वहाँ पे फ्यूरियस फाइव मास्टर जो है वहाँ पे थे, जो कि टाइग्रेस बंदर क्रेन और फिर वहाँ पे वाइपर के साथ लड़ने का सपना देखते हैं। और वहाँ पे बेस्टिज जो है कुर्फू और फिर जो है मास्टर्स का एक समूह जो है फिल्म में, और वह जेड पैलेस में रहते हैं। यहाँ पे उन्हें मास्टर सिफू एक सनकी लाल पांडा द्वारा प्रशिक्षित करवाते हैं। फिर एक दिन वहाँ पे बुद्धिमान वो कछुआ आता है, जो कि मास्टर जो है ओगवे ने भविष्यवाणी की थी कि सिफू का पूर्व हिम जो है तेंदुआ यानी कि शिष्य ताई होगा, जहाँ पे ताई लुंग जेल से भाग जाते हैं और वहाँ पे ट्रेगर स्क्रोल आते हैं जो कि प्राप्ति करने के लिए घाटी पर हमला करेगा। वहीं पे एक पौराणिक जो है काला कृति जिसे उसने पहले ही अस्वीकार कर दिया था, फिर वह घबरा कर उससे सिफू ने मंगोलिया के चोर को ले गया, जहाँ पे वह सुरक्षा बढ़ाने के लिए जेंग नाम के एक हंस को भेजा, जहाँ पे ताई लुंग को खड़ा किया गया था फिल्म के अंदर। अब इस कहानी में उसी समय सिफू फाइव के लिए एक टूर्नामेंट आयोजित करता है ताकि वहाँ पे ओगवे ड्रैगन योद्धा की पहचान कर सके, जो कि स्क्रोल पढ़ने के योग्य दायक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने जो है पाठों को असीमित शक्ति प्रदान भी कर सकता है। वहीं पे पो मैदान में प्रवेश करने के लिए बहुत देर से पहुँचता है और अपनी जो है मूर्तियों को देखने के लिए बेताब हो चुका है और वह गलती से टूर्नामेंट के बीच में जो आतिशबाजी के कारण कुर्सी से उतर गया। वहीं पे ओगवे ने पो को ट्रेगर योद्धा घोषित किया और जब जो है ये सब कुछ हुआ तो वहीं पे ओगवे के फैसले को एक दुर्घटना बांधते हुए हैरान होते हुए दिखाया गया। वहीं पे सिफू जो है कठोर और प्रशिक्षण किया गया, जो कि व्यवस्था के साथ पो को खत्म करने की कोशिश किया गया, जबकि वहाँ पे फाइव पो को एक उत्साही व्यक्तित्व के रूप में खारिज कर दिया गया, जिसमें कुर्फू पांडा में कोई भी जो क्षमता नहीं है। फिर जो है पो छोड़ने पर यहाँ पे विचार करता है, लेकिन वहाँ पे ओगवे से प्रोत्साह प्राप्त करने के बाद वह अपना प्रशिक्षण जारी रखता है, जहाँ पे धीरे धीरे अपने जो है आली चेपर के साथ काम किया, वहीं पे कौशल और अच्छे हास्य के साथ पांचों से दोस्ती कर लेता है कहानी में। और इसी दौरान पो को पता चलता है कि सिफू का ठंडा और दूर का व्यवहार ताई लुंग के विश्वासघात पर उसकी खुद की शर्मिंदगी से उपज चुका है, जिसने उसे बचपन से बड़ा किया है। वहीं पे चोर गेम जेल में जेंग की काम के ऊपर जो है रखा हुआ है और जेंग की चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देता है और वहीं पे ताई लुंग वहाँ से फिर भाग जाता है। सिफू ने वहाँ पे ओगवे को घटना के बारे में सूचित किया, जिसमें जो है कछुआ शामिल है। सिफू को आडू के फूलों की एक धारा में आत्मा क्षेत्र में जाने से पहले पो को ड्रैगन योद्धा के रूप में विश्वास करने का वादा करवाता है। कहानी में सिफू और पो और फिर जो है पाचो को ताई लुंग के भागने की सूचना देते हैं और पो को बताते हैं कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो उसे रोक सकते हैं। वहीं पे वह जो है ठगा हुआ महसूस करते हुए ताई ग्रोस गुस्से में से वहाँ पे सिफू को समझने की कोशिश करता है कि वह ताई लुंग के भागने की तैयारी के लिए कई वर्षों से पांचों को प्रशिक्षण दे रहा है, लेकिन सिफू उसे बताते हैं कि ताई लुंग को रोकना पोकी नियति है। और ये जो है सुनकर कि ओगवे गुजर गया है और इससे भी ज़्यादा वो नाराज हो जाता है। ओगवे गुजर चुका है तो ताई लुंग और फिर जो है तेजी से वहाँ पे आते हैं और ही पो भी वहाँ पे आ जाता है, जो अभी भी कुनफू के साथ कोई भी जो है प्रगति नहीं कर पा रहा है। भागने का प्रयास करता है वहाँ से, लेकिन सिफू उसे रोक देता है। फिर पो फिर जो है सिफू को ये स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि वह नहीं जानता कि ड्रैगन योद्धा के लिए पांडा को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। वहीं पे बाधित होकर ये सुन लेती है और पाचों को ताई लुंग को रोकने के गुप्त प्रयास में उसे लेकर जाते हैं। अब वहीं पर इस बीच सिफू को पता चलता है कि भोजन से प्रेरित होने पर वो प्रभावशाली जो है शारीरिक कर्तव्य दिखाने में सक्षम है और इन कर्तव्यों को एक अभिव्यक्त कुनफू या फिर शैली शामिल करके पो को अब सफलतापूर्वक जो है प्रशिक्षित कर देते हैं। उसके बाद द फ्यूरियस फाइव जो है वहाँ पे आते हैं। द फ्यूरियस फाइव ताइलुंग से लड़ता है, हालांकि वहाँ पे क्रेन को छोड़कर सभी जल्द ही उसकी नरवा स्ट्राइक जो है टेक्निकी से हार गए थे,
जहाँ पे एक क्रेज जो है टाइग्रेस के साथ काम किया, जहाँ पे वाइपर बंदर और बेटिस को यहाँ पे जेड के साथ रखा गया था। जेड वहीं पे पैलेस पे वापस से उसे लेकर जाती है, जहाँ पे शिफू उन्हें पुनर्जीवित करता है और फिर जो है निर्णय लेता है कि पोर्ट ड्रैगन और स्क्रोल प्राप्त करने के लिए तैयार है। जब वो इसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि स्क्रोल एक खाली प्रतिबिंब सतह के अलावा और कुछ नहीं है, जो कि निराश होकर पो और पाचों ने घाटी के निवासियों को निकाल दिया, जबकि शिफू अकेले ताई लुग का सामना करने के लिए तैयार हो गया, जो कि व्याकुल पो को वहीं पे छोड़ देता है। और सांत्वना देने की कोशिश में श्री पिग ने खुलासा किया था कि उनके गुप्त घाटक पो में जो है बदल गया है, जो कि गुप्त या फिर घटक नहीं है। और ये समझते हुए कि विश्वास के साथ चीज़ें जो है विशेष बन सकती है, इस कहानी में ये सब कुछ महसूस करते हुए कि ये जो है ड्रैगन स्क्रोल का संदेह है, फिर पो शिफू की मदद करने के लिए वापस वहाँ पे आता है। जेड पैलेस पे तबाही मचा चुका था और उसके बाद वहाँ पे लोग शिफू पर हावी हो जाता है और स्क्रोल का स्थान जानने की मांग करता है, जहाँ पर कहानी में देखने को मिलता है पो फिर जो है ड्रैगन और फिर जो है स्क्रोल के साथ बातचीत करने में लगा हुआ है, जहाँ पे ताइलुंग को युद्ध के लिए चुनौती देता है। फिर वो एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी साबित होता है, जो अपनी जो है यहाँ पे भ्रमित करने वाली लड़ाई टेक्निकियों से ताइलुंग को निराश करता है। ताइलुंग अंत तक जो है जीत जाता है, लेकिन खाली स्क्रोल से निराशा भी नहीं है और अपना गुस्सा वो पर जो है निकालता है, ये पता चलने पर कि उसके शरीर के चर्बी उसे ताइलुंग के यहाँ पे तंत्रिका जो है हमलों के प्रति प्रतिरिक्ष बना पाएगा। फिर वो अपने जो है प्रतिद्वंदी को अपनी नई कुर्फो शैली से पराजित करता है और अंत तक जो है बूसी फिंगर होल्ड और फिर जो है टेक्निकी का उपयोग करके उसे आत्म क्षेत्र में भेज देता है। पोको घाटी द्वारा यहाँ पे सम्मानित किया जाता है और उसे टाइग्रेस एड के साजो फ्यूरियस 5 का सम्मान मिलता है। क्रेडिट के बाद के एक दृश्य में शिफू और पो एक साथ जो है भोजन करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि शिफू द्वारा पहले लगाया गया आडू जो है पृष्ठभूमि में एक पेड़ पर जाता है। और ये कहानी आपको कुर्फ पांडा में देखने को मिलता है। ये कुर्फ पांडा की पहली पार्ट है जो 2008 में रिलीज हुई थी। इसी के साथ दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बात कर ले तो दोस्तों बता दें ड्रीम वर्क्स एनिमेशन ने पहले अपने बंद हो चुके वीडियो गेम जो है और इसके अलावा डिवीजन जो है ड्रीम वर्क्स एंडर टीवीस में काम किया था। एंडर जो है एक्टिव से जिसे अब जो है डेंजर क्लोज गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। और वह भी आपको बता दें उनके तहत इस तरह के जो है आधार पर प्ले स्टेशन किया और वीडियो गेम जो है टाइफो रिलीज किया था, जो रेड ऑफ द यहाँ पे टाइगर का निर्माण किया गया था 2004 में। 2004 के वसंत में एक एरिक जो है वहाँ पे व्हीट गार्डन ने सील लोरिक की एक जो है सेटिंग लिखी, जो कि वहाँ पे रूड यार्ड और फिर जो है बीक लिंक की गई और ये चीज़ देखने को मिला था। द यहाँ पे हवाइट सील की शुरुआती जो है कविता थी, इसे जो है डीम वर्क से एक एनिमेशन फीचर के लिए अनुकूलित करने का इरादा किया था। कुछ हफ्ता बाद इस विचार को त्यागने और इसके जो है बजाय कुर्फ पांडा के लिए उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। वही भी दोस्तों फिल्म पर जो है प्रचारित काम अक्टूबर 2004 में शुरू हुआ। सितंबर 2005 में ड्रीम वर्क्स ने जैक ब्लैक के साथ फिल्म की घोषणा की थी, जिसे जो है मुख्य वॉइस स्टार के रूप में चुना गया। नवंबर 2005 में जो है ड्रीम वर्क्स ने घोषणा किया था कि स्टीन डस्टिन जो है हाफ में जैकी चैन और फिर जो है लूसी लियू और डायन जो है बैक सेन के साथ इसमें आवाज ड्रॉप करेंगे, जो कि जैक ब्लैक के साथ जो है कलाकारों में शामिल होंगे। ये दूसरी जो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन फिल्म भी है जिसमें जो है ब्लैक और एंजेलिना जोली ने एक साथ अभिनय किया है और पहले 2004 की शॉर्ट कॉट में या फिर शॉर्ट टेल में देखा गया था इन दोनों को अंदर। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का विचार जो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन के कार्यकारी जो है माइकल जो है लेंचेस द्वारा तैयार किया गया था, जो कि प्रारंभ में विचार इसे एक स्पूफ बनाने का था, लेकिन सह निर्देशक जॉर्ज स्टीवेंसन इसमें विशेष रूप से जो उत्सुकता नहीं थे और इसके बजाय उन्होंने एक चरित्र यहाँ पे आधारित और फिर जो है बुक्स या कॉमेडी की दिशा में उन्होंने अपना रुख किया। कथित तौर पर जो है स्टीफन चाओ की 2004 की मार्शल आर्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म जो कुर्फ हसल से प्रेरित था। सह निर्देशक ये जो सुरक्षित करना चाहते थे कि फिल्म में एक प्राणिक जो है चीनी और कुर्फू का अनुभव भी हो, जो कि प्रोडक्शन डिजाइनर रेबर्ड के साथ मिलकर काम करे। वहीं पे जी बैक और फिर जो है कला निर्देशक जो है तांग हेग ने फिल्म का स्वरूप तैयार करने में
मदद के लिए चीनी जो है चित्रकला और फिर जो है मूर्ति कला के साथ बातचीत किया, जो कि वास्तुकला और फिर जो है कुनफू फिल्मों पर शोध करने में वर्षों बिताए थे। जहाँ पे जी बैक ने कहा था कि उनके लिए कुछ सबसे बड़े जो है प्रभाव हीरो हाउस ऑफ यानी कि फ्लाइंग और फिर जो है डेगर्स हो सकता है, जो कि वहाँ पे क्राउची जो है टाइगर हिडन और ड्रेगन जैसे जो है अधिक कलात्मक जो है मार्शल आर्ट फिल्मों में है। इस फिल्म के लिए यहाँ पे स्टीन वेल्सर का उद्देश्य जिसे बनाने में 4 साल लगे, वहीं पे ड्रीम वर्क्स द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे जो अच्छी दिखने वाली फिल्म में से एक इसको माना जाता है। इसी के साथ इस फिल्म की शुरुआत में हाथ से बनाया गया एनिमेशन जो है अनुक्रम और चीनी छाया के ऊपर जो है कठपुतली जैसा जो है बनाया गया था, जहाँ पे उद्घाटन जिसे जो है जेनिफर यू और फिर डेल्सन द्वारा निर्देशित किए गए थे, और वहीं पे जेम्स जो है बैक्टसर द्वारा निर्मित किया गया था कि जहाँ पे न्यूयॉर्क शहर में टाइम्स के समीक्षक जो है मनोहला डर्गिस ने आकर्षक और अधिकांश मुख्य धारा की अमेरिकी एनिमेशन से दृष्टिगत रूप से जो है एक में प्रशंसा इसको की थी। अन्य समीक्षकों ने शुरुआत की तुलना में वहाँ पे जेडी और टाटा कोस्वी की कार्टून नेटवर्क जो है श्रृंखला और फिर जो है समुराई जैकी की विचारों तेजक जो है शैली से भी आगे गए थे। फिल्म का बाकी हिस्सा आधुनिक कंप्यूटर एनिमेशन से बनाया गया, जो कि चीनी के प्राकृतिक जो है परिदृश्य को उजागर करने के लिए चमकीले अनोखे रंगों का उपयोग किया गया है। अंतिम क्रेडिट में अनुक्रम में हाथ से बनाए गए पात्र और पृष्ठभूमि में स्थिति जो है पेंटिंग भी शामिल किया गया था कहानी में। वही आपको बता दें, पूरी फिल्म में इस्तेमाल किया गया था जो कंप्यूटर एनिमेशन ड्रीम वर्क्स द्वारा पहले किए गए किसी भी काम की तुलना में अधिक जटिल था। जब प्रोडक्शन के प्रमुख ने बीएफएक्स सुपरवाइजर जो है मार्कस और फिर जो है बेनी डेनी को स्क्रिप्ट सौंपी तो वह एक कथित तौर पर जो हंसे और उन्हें शुभकामनाएं दी। जब हमने बात करना शुरू किया था तब देखने को मिला था जहाँ पे बंदीने ने कहा था कि फिल्म अभी भी एक जो है अवधारणा की तरफ ले जाएगा, लेकिन वहाँ पे जिसने इसे जो है देखा है उसके लिए ये जटिलता के रूप में सामने आएगी। हमने यह कहकर एक शुरुआत की थी। वहीं पे आप इस फिल्म को यहाँ पे मूर्त कैसे बना सकते ये भी देखने को मिला, जो कि आप स्मार्ट कैसे पा सकते हैं इस दुनिया को इस तरह से जीवंत करने के तरीके की ये एक महान फिल्म बन जाए और ऐसा महसूस ना हो कि जटिलताएँ कहानी की चालबाज बन जाए, बल्कि कहानी और भावनाएं जो है चालक बन जाती है। तैयारी में एनिमेशन ने एक कदम उठाया, वहीं पे 6 घंटे की कुनफू का एक शूट किया गया था। इस फिल्म को निर्माता यहाँ पे मिलिशा कोव ने कहा था कि मूल रूप से वो अधिक जो है बेवकूफ था, लेकिन यहाँ पे जैक ब्लैक को सुनने के बाद उसका चित्रण जो है बदल गया था, उसका चरित्र बदल गया फिल्म में। फिर ब्लैक के अनुसार उन्होंने ज़्यादातर जो है अलगाव में काम किया, हालांकि उन्होंने और यहाँ पे डस्टिन जो हॉफमैन ने एक साथ एक दिन बिताया। इससे जो है कॉव ने कहा था कि इससे उस दृश्य में मदद मिली जहाँ पे उनके पात्रों का यहाँ पे आमना सामना भी होता है। जहाँ पे लूसी लियो ने कहा था कि फिल्म काफ़ी जो है अलग थी क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया थी, जब वह चलती थी तो यहाँ पे ऐसी दिखती थी कि एक बेहतरीन कहानी हो। वहीं पे दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का विश्व प्रीमियर 15 मई 2008 को 61वें कॉन्स फिल्म महत्व शो में हुआ था, जहाँ पे फिल्म की स्क्रीनिंग के एंडिंग में इससे भारी तालियां मिली थी। और बाद में कुनफू पांडा राष्ट्रीय प्रीमियर 1 जून 2008 को अमेरिका में आईमैक्स में हॉलीवुड लॉस एंजलिस और फिर कैलिफोर्निया में AMC और फिर जो है रीगल एंटरटेनमेंट ग्रुप में हुआ था। 26 जून 2008 को लंदन के यहाँ पे लिस्टेसर जो है यहाँ पे स्क्वारल में किया गया। कुनफू पांडा को बेस्ट बॉय यानी कि एक्सक्लूसिव के रूप में 9 नवंबर 2008 को DVD और ब्लूरे पर और 6 दिसंबर 2011 को 3D ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। कुनफू पांडा की DVD डबल पैक रिलीज में एक लघु जो है एनिमेशन फिल्म और फिर जो है सीक्रेट ऑफ द फ्यूरियस 5 है, सीक्रेट ऑफ फ्यूरियस 5 शामिल है और 2008 में ये सब चीज़ें किया गया था। फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में अगर बात कर ले तो इस फिल्म ने अपने शुरुआती हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया और 4114 थिएटरों में इसको रिलीज किया गया था, जहां से इसने 14662 की औसत कमाई के साथ 60 बिलियन से अधिक की कमाई किया डॉलर में और फिर जो है विश्लेषकों की अपेक्षा से कई बेहतर प्रदर्शन किया था। ये फिल्म उस समय की किसी भी ग्रेजुएट सीक्वल और फिर जो है ड्रीम वॉर्स एनिमेशन फिल्म के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाली ओपनिंग मूवी थी।
अपने दूसरे हफ्ते में फिल्म जो है 4,136 थिएटरों तक के विस्तार करने के बाद 8,127 के औसत के साथ कमाई किया, जो कि 33.6 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली द इनक्रेडिबल हल्के के बाद हुआ था। वहीं पर 44% जो है पीछे दूसरे स्थान पर रैंकिंग किया था। रिलीज के 125 दिनों के बाद ये मूवी 2 अक्टूबर 2008 को बंद हो गया था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का और कनाडा में 215 मिलियन से अधिक की कमाई इस मूवी से कर लिया था। ये मूवी साल 2008 में रिलीज हुई अमेरिकी एनिमेशन मार्शल आर्ट कॉमेडी फिल्म है, जो कि ड्रीम वर्क एनिमेशन द्वारा इस मूवी को निर्मित किया गया था और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा इस फिल्म को दुनिया भर में वितरित किया गया था। इसी के साथ दोस्तों, कुर्फू पांडा ये फिल्म जिसकी रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं, इस मूवीज को फ्रेंचाइजी में पहले किसके तौर पर जाना जाता है, जिसे जॉन स्टीवेंसन द्वारा निर्देशित किया गया था और उनके फीचर निर्देशन में पहली फिल्म है। वही भी आपको बता दें, मार्क उस बोर्ड द्वारा सह निर्देशित किया गया था इस मूवीज को, और उनके अलावा फिल्म में जोनाथन एबेल और ग्लेन बर्जर द्वारा इस फिल्म की कहानी लिखित की गई है। वही भी आपको बता दें, साइरस बोरिस की कहानी से फिल्म में जैक ब्लैक, उनके अलावा डस्टिन और हाफ मैन जो है एंजेलिना जोली इस पर अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। उनके अलावा ईयान मैक्सन और फिर जो है सेठ रोजन भी इसमें थे। लूसी लियो को भी इसमें देखा गया था। दोस्तों, ये फिल्म उस वक्त रिलीज हुई थी साल 2008 में और उस वक्त सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में इसे जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म का प्रचारित काम अक्टूबर 2004 में शुरू हुआ और इसकी कल्पना ड्रीम वर्क्स एनिमेशन के कार्यकारी माइकल लेचेस ने देखा था। माइकल यहाँ पे लेचेस ने मूल रूप से मार्शल आर्ट फिल्मों की पैरोडी के रूप में की थी। हालांकि निर्देशक जो है एस्टी वेजन ने इसके बजाय एक एक्सेस कॉमेडी और फिर जो है बुक्स या फिल्म बनाने का फैसला किया था इससे पहले, जिसमें जो है मुख्य किरदार के लिए नायक की यात्रा की कथा को शामिल किया गया था। वही जिसमें कंप्यूटर एनिमेशन इस बार जो है था, लेकिन वहाँ पर ड्रीम वर्क्स द्वारा पहले की गई किसी भी चीज़ की तुलना में अधिक जो है जटिल था इस फिल्म की कहानी। वहीं पे परियोजना की आधिकारिक घोषणा सितंबर 2005 में की गई थी और फिर कुर्फू पांडा के लिए स्कोर अधिकांश ड्रीम वर्क्स और फिर एनिमेशन फिल्मों की तरह हर्ष जीवर द्वारा तैयार किया गया था। इस बार वहाँ पे जॉन जो है पावेल के साथ सहयोग करते हुए पूर्व संस्कृति को आत्मसात करने के लिए चीन का दौरा किया और चीन यहाँ पे नेशनल जो है सिम्फनी के साथ यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा का उपयोग किया और वहीं पे स्कोरिंग जो है प्रक्रिया के भाग के रूप में काम किया था। इसी के साथ दोस्तों, कुर्फू पांडा फिल्म को सीधे 6 जून 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसने रिलीज होने के बाद 130 मिलियन डॉलर के बजट पर बनी 631.7 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे ये फिल्म 2008 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म में से एक रही थी। वही दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म को सबसे बेहतरीन एनिमेशन फिल्म का अवार्ड भी दिया गया, जहाँ पे श्रेक फ्रेंचाइजी के बाद अमेरिकी और कनाडाई बॉक्स ऑफिस पर जो है ड्रीम वर्क्स और फिल्म के लिए चौथा सबसे बड़ा शुरुआती हफ्ता होने के अलावा इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी और इसे अकेडमी पुरस्कार के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, लेकिन दोनों पुरस्कार वाल एस से हार गए और फिल्म की सफलता ने एक मल्टी मीडिया फ्रेंचाइजी को जन्म दिया, जिसमें जो है कुर्फू पांडा 2 2011 में रिलीज हुई और फिर कुर्फू पांडा 3 2016 में रिलीज हुई। उसके बाद कुर्फू पांडा 4 मूवी साल 2024 में रिलीज होने वाली है। आइए दोस्तों, अब एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी को। दोस्तों, फिल्म में देखने को मिलता है शांति की घाटी में प्राचीन चीन में, वहाँ पे मानव रूपी जानवरों का निवास स्थान विशाल पांडा पो मिस्टर पिक नाम के अपने दत्तक हंस पिता की मदद करते हैं। वही अपना जो है नूडल रेस्तरा भी चलाते हैं और वहाँ पे फ्यूरियस 5 मास्टर जो है वहाँ पे थे, जो कि टाइग्रेस बंदर क्रेन और फिर वहाँ पे वाइपर के साथ लड़ने का सपना देखते हैं और वहाँ पे बेस्टिन जो है कुर्फू और फिर जो है मास्टर्स का एक समूह जो है फिल्म में और वह जेड पैलेस में रहते हैं। यहाँ पे उन्हें मास्टर सिफू एक सनकी लाल पांडा द्वारा प्रशिक्षित करवाते हैं। फिर एक दिन वहाँ पे बुद्धिमान वो कछुआ आता है, जो कि मास्टर जो है ओगवे ने भविष्यवाणी की थी कि सिफू का पूर्व हिम जो है तेंदुआ यानी कि शिष्य ताई होगा, जहाँ पे ताई लुंग जेल से
भाग जाते हैं और वहाँ पर ट्रिगर स्क्रॉल आते हैं जो कि प्राप्ति करने के लिए घाटी पर हमला करेगा। वहीं पे एक पौराणिक जो है कालाकृति थी जिसे उसने पहले ही अस्वीकार कर दिया था। फिर वह घबरा कर उससे सिफो ने मंगोलिया के चोर को ले गया जहाँ पे वह सुरक्षा बढ़ाने के लिए जेंग नाम के एक हंस को भेजा जहाँ पे ताई लुंग को खड़ा किया गया था फिल्म के अंदर। अब इस कहानी में उसी समय सिफो 5 के लिए एक टूर्नामेंट आयोजित करता है ताकि वहाँ पे ओग्वे ड्रैगन योद्धा की पहचान कर सके जो कि स्क्रॉल पढ़ने के योग्य दायक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने जो है पात्रों को असीमित शक्ति प्रदान भी कर सकता है। वहीं पे पो मैदान में प्रवेश करने के लिए बहुत देर से पहुंचता है और अपनी जो है मूर्तियों को देखने के लिए बेताब हो चुका है और वह गलती से टूर्नामेंट के बीच में जो आतिशबाजी के कारण कुर्सी से उतर गया। वहीं पे ओग्वे ने पो को ड्रैगन योद्धा घोषित किया और जब जो है ये सब कुछ हुआ तो वहीं पे ओग्वे के फैसले को एक दुर्घटना बांधते हुए हैरान होते हुए दिखाया गया। वहीं पे सिफो जो है कठोर और प्रशिक्षण किया गया जो कि व्यवस्था के साथ पो को खत्म करने की कोशिश किया गया, जबकि वहाँ पे 5 पो को एक उत्साही व्यक्तित्व के रूप में खारिज कर दिया गया जिसमें कुरफू पांडा में कोई भी जो क्षमता नहीं है। फिर जो है पो छोड़ने पर यहाँ पे विचार करता है, लेकिन वहाँ पे ओग्वे से प्रोत्साह प्राप्त करने के बाद वह अपना प्रशिक्षण जारी रखता है जहाँ पे धीरे धीरे अपने जो है आली चेपर के साथ काम किया। वहीं पे कौशल और अच्छे हास्य के साथ पांचों से दोस्ती कर लेता है कहानी में। और इसी दौरान पो को पता चलता है कि सिफो का ठंडा और दूर का व्यवहार ताई लुंग के विश्वासघात पर उसकी खुद की शर्मिंदगी से उपज चुका है जिसने उसे बचपन से बड़ा किया है। वहीं पे चोर गेम जेल में जेंग की काम के ऊपर जो है रखा हुआ है और जेंग की चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देता है और वहीं पे ताई लुंग वहाँ से फिर भाग जाता है। सिफो ने वहाँ पे ओग्वे को घटना के बारे में सूचित किया जिसमें जो है कछुआ शामिल है। सिफो को आड़ू के फूलों की एक धारा में आत्मा क्षेत्र में जाने से पहले पो को ड्रैगन योद्धा के रूप में विश्वास करने का वादा करवाता है। कहानी में सिफो और पो और फिर जो है पांचों को ताई लुंग के भागने की सूचना देते हैं और पो को बताते हैं कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो उसे रोक सकते हैं। वहीं पे वह जो है ठगा हुआ महसूस करते हुए ताई ग्रोस गुस्से में से वहाँ पे सिफो को समझने की कोशिश करता है कि वह ताई लुंग के भागने की तैयारी के लिए कई वर्षों से पांचों को प्रशिक्षण दे रहा है, लेकिन सिफो उसे बताते हैं कि ताई लुंग को रोकना पो की नियति है। और ये जो है सुनकर कि ओग्वे गुजर गया है और इससे भी ज़्यादा वो नाराज हो जाता है। ओग्वे गुजर चुका है तो ताई लुंग और फिर जो है तेज़ी से वहाँ पे आते हैं और ही पो भी वहाँ पे आ जाता है जो अभी भी कुनफू के साथ कोई भी जो है प्रगति नहीं कर पा रहा है। भागने का प्रयास करता है वहाँ से लेकिन सिफो उसे रोक देता है। फिर पो फिर जो है सिफो को ये स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि वह नहीं जानता कि ड्रैगन योद्धा के लिए पांडा को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। वहीं पर बाधित होकर ये सुन लेती है और पांचों को ताई लुंग को रोकने के गुप्त प्रयास में उसे लेकर जाते हैं। अब वहीं पर इस बीच सिफो को पता चलता है कि भोजन से प्रेरित होने पर वो प्रभावशाली जो है शारीरिक कर्तव्य दिखाने में सक्षम है और इन कर्तव्यों को एक अभिव्यक्त कुनफू या फिर शैली शामिल करके पो को अभी सफलतापूर्वक जो है प्रशिक्षित कर देते हैं। उसके बाद द फ्यूरियस 5 जो है वहाँ पे आते हैं। द फ्यूरियस 5 ताइलुंग से लड़ता है, हालांकि वहाँ पे क्रेन को छोड़कर सभी जल्द ही उसकी नरवा स्ट्राइक जो है टेक्निकी से हार गए थे। जहाँ पे क्रेन जो है टाइग्रेस के साथ काम किया जहाँ पे वाइपर बंदर और बैटिस को यहाँ पे जेड के साथ रखा गया था। जेड वहीं पे पैलेस में वापस से उसे लेकर जाती है जहाँ पे सिफो उन्हें पुनर्जीवित करता है और फिर जो है निर्णय लेता है कि पो ड्रैगन और स्क्रॉल प्राप्त करने के लिए तैयार है। जब पो इसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि स्क्रॉल एक खाली प्रतिबिंध सतह के अलावा और कुछ नहीं है, जो कि निराश होकर पो और पांचों ने घाटी के निवासियों को निकाल दिया जबकि सिफो अकेले ताई लुंग का सामना करने के लिए तैयार हो गया, जो कि व्याकुल पो को वहीं पे छोड़ देता है। और सांत्वना देने की कोशिश में श्री पिग ने खुलासा किया था कि उनके गुप्त घाटक पो में जो है बदल गया है, जो कि गुप्त या फिर घटक नहीं है। और ये समझते हुए कि विश्वास के साथ चीज़ें जो है विशेष बन सकती है,
इस कहानी में ये सब कुछ महसूस करते हुए कि ये जो है ड्रैगन स्क्रोल का संदेह है, फिर पो शिफू की मदद करने के लिए वापस वहाँ पे आता है। जेड पैलेस पे तबाही मचा चुका था और उसके बाद वहाँ पे लोग शिफू पर हावी हो जाता है और स्क्रोल का स्थान जानने की मांग करता है, जहाँ पर कहानी में देखने को मिलता है पो फिर जो है ड्रैगन और फिर जो है स्क्रोल के साथ बातचीत करने में लगा हुआ है, जहाँ पे ताइलुंग को युद्ध के लिए चुनौती देता है। फिर पो एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी साबित होता है जो अपनी जो है यहाँ पे भ्रमित करने वाली लड़ाई टेक्निकियों से ताइलुंग को निराश करता है। ताइलुंग अंत तक जो है जीत जाता है, लेकिन खाली स्क्रोल से निराशा भी नहीं है और अपना गुस्सा पो पर जो है निकालता है, ये पता चलने पर कि उसके शरीर के चर्बी उसे ताइलुंग के यहाँ पे तंत्रिका जो है हमलों के प्रति प्रतिरिक्ष बना पाएगा। फिर पो अपने जो है प्रतिद्वंदी को अपनी नई कुनफू शैली से पराजित करता है और अंत तक जो है बूशी फिंगर होल्ड और फिर जो है टेक्निकी का उपयोग करके उसे आत्म क्षेत्र में भेज देता है। पोको घाटी द्वारा यहाँ पे सम्मानित किया जाता है और उसे टाइग्रेस एड के साजो फ्यूरियस 5 का सम्मान मिलता है। क्रेडिट के बाद के एक दृश्य में शिफू और पो एक साथ जो है भोजन करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि शिफू द्वारा पहले लगाया गया आडू जो है पृष्ठभूमि में एक पेड़ पर जाता है और ये कहानी आपको कुनफू पांडा में देखने को मिलता है। ये कुनफू पांडा की पहली पार्ट है जो 2008 में रिलीज हुई थी। इसी के साथ दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बात कर ले तो दोस्तों बता दें ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने पहले अपने बंद हो चुके वीडियो गेम जो है और इसके अलावा डिवीजन जो है ड्रीमवर्क्स एंटरटेनमेंट में काम किया था। एंटर जो है एक्टिव से जिसे अब जो है डेंजर क्लोज गेम्स के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें भी आपको बता दें उनके तहत इस तरह के जो है आधार पर प्ले स्टेशन किया और वीडियो गेम जो है टाइफू रिलीज किया था जो रेड ऑफ द यहाँ पे टाइगर का निर्माण किया गया था 2004 में। 2004 के वसंत में एक एरिक जो है वहाँ पे व्हीट गार्डन ने सील लोरिक की एक जो है सेटिंग लिखी जो कि वहाँ पे रूड यार्ड और फिर जो है बीक लिंक की गई और ये चीज़ देखने को मिला था। द यहाँ पे हवाइट सील की शुरुआती जो है कविता थी जिसे जो है डीम वर्क से एक एनिमेशन फीचर के लिए अनुकूलित करने का इरादा किया था। कुछ हफ्ता बाद इस विचार को त्यागने और इसके जो है बजाय कुनफू पांडा के लिए उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। वही भी दोस्तों फिल्म पर जो है प्रचारित काम अक्टूबर 2004 में शुरू हुआ। सितंबर 2005 में ड्रीमवर्क्स ने जैक ब्लैक के साथ फिल्म की घोषणा की थी जिसे जो है मुख्य वॉइस स्टार के रूप में चुना गया। नवंबर 2005 में जो है ड्रीमवर्क्स ने घोषणा किया था कि स्टीन डस्टिन जो है हाफ में जैकी चैन और फिर जो है लूसी लियू और डायन जो है मैक सेन के साथ इसमें आवाज़ ड्रॉप करेंगे जो कि जैक ब्लैक के साथ जो है कलाकारों में शामिल होंगे। ये दूसरी जो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन फिल्म भी है जिसमें जो है ब्लैक और एंजेलिना जोली ने एक साथ अभिनय किया है और पहली 2004 की शॉर्ट कॉट में या फिर शॉर्ट टेल में देखा गया था इन दोनों को अंदर। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का विचार जो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन के कार्यकारी जो है माइकल लेंचेस द्वारा तैयार किया गया था जो कि प्रारंभ में विचार इसे एक स्पूफ बनाने का था, लेकिन सह निर्देशक जॉर्ज स्टीवेंसन इसमें विशेष रूप से जो है उत्सुकता नहीं थे और इसके बजाय उन्होंने एक चरित्र यहाँ पे आधारित और फिर जो है बुक्स या कॉमेडी की दिशा में उन्होंने अपना रुख किया। कथित तौर पर जो है स्टीफन चाओ की 2004 की मार्शल आर्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म जो है कुनफू हसल से प्रेरित था। सह निर्देशक ये जो सुरक्षित करना चाहते थे कि फिल्म में एक प्राणिक जो है चीनी और कुनफू का अनुभव भी हो जो कि प्रोडक्शन डिजाइनर रेबर्ड के साथ मिलकर काम करे। वहीं पे जी बैक और फिर जो है कला निर्देशक जो है तांग हेग ने फिल्म का स्वरूप तैयार करने में मदद के लिए चीनी जो है चित्रकला और फिर जो है मूर्ति कला के साथ बातचीत किया जो कि वास्तुकला और फिर जो है कुनफू फिल्मों पर शोध करने में वर्षों बिताए थे। जहाँ पे जी बैक ने कहा था कि उनके लिए कुछ सबसे बड़े जो है प्रभाव हीरो हाउस ऑफ फ्यूरी की फ्लाइंग और फिर जो है ड्रैगन्स हो सकता है जो कि वहाँ पे क्राउचिंग जो है टाइगर हिडन और ड्रैगन जैसी जो है अधिक कलात्मक जो है मार्शल आर्ट फिल्मों में है। इस फिल्म के लिए यहाँ पे स्टीन वेंसर का उद्देश्य जिसे बनाने में 4 साल लगे वहीं पे ड्रीमवर्क्स द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे जो अच्छी दिखने वाली फिल्म में से एक इसको माना जाता है। इसी के साथ इस फिल्म की शुरुआत में हाथ से बनाया गया एनिमेशन जो अनुक्रम और चीनी छाया के ऊपर जो है कठपुतली जैसा जो है बनाया गया था जहाँ पे उद्घाटन जिसे जो है जेनिफर यू और फिर डेल्सन द्वारा निर्देशित किए गए थे।
और वहीं पे जब जो है बैक्टसर द्वारा निर्मित किया गया था कि जहाँ पे न्यूयॉर्क शहर में टाइम्स के समीक्षक जो है मनोहला डरगिस ने आकर्षक और अधिकांश मुख्यधारा की अमेरिकी एनिमेशन से दृष्टि या भी दृष्टिगत रूप से जो है एक में प्रशंसा इसको की थी। अन्य समीक्षकों ने शुरुआत की थी और अन्य समीक्षकों ने शुरुआत की तुलना में वहाँ पे जेडी और टाटा कोस्वी की कार्टून नेटवर्क जो है श्रृंखला और फिर जो है समुराई जैकी की विचारों तेजक जो है शैली से भी आगे गए थे। फिल्म का बाकी हिस्सा आधुनिक कंप्यूटर एनिमेशन से बनाया गया जो कि चीनी के प्राकृतिक जो है परिदृश्य को उजागर करने के लिए चमकीले अनोखे रंगों का उपयोग किया गया है। अंतिम क्रेडिट में अनुक्रम में हाथ से बनाए गए पात्र और पृष्ठभूमि में स्थिति जो है पेंटिंग भी शामिल किया गया था कहानी में। वही आपको बता दें पूरी फिल्म में इस्तेमाल किया गया था जो कंप्यूटर एनिमेशन ड्रीम वर्क्स द्वारा पहले किए गए किसी भी काम की तुलना में अधिक जटिल था। जब प्रोडक्शन के प्रमुख ने VFX सुपरवाइजर जो है मार्कस और फिर जो है बेनी डेनी को स्क्रिप्ट सौंपी तो वह एक कथित तौर पर जो हंसे और उन्हें शुभकामनाएं दी। जब हमने बात करना शुरू किया था तब देखने को मिला था जहाँ पे बंदीने ने कहा था कि फिल्म अभी भी एक ऊंच जो है अवधारणा की तरफ ले जाएगा, लेकिन वहाँ पे जिसने इसे जो है देखा है उसके लिए ये जटिलता के रूप में सामने आएगी। हमने यह कहकर एक शुरुआत की थी। वहीं पे आप इस फिल्म को यहाँ पे मूर्त कैसे बना सकते ये भी देखने को मिला जो कि आप स्मार्ट कैसे पा सकते हैं। इस दुनिया को इस तरह से जीवंत करने के तरीके की ये एक महान फिल्म बन जाए और ऐसा महसूस न हो कि जटिलताएँ कहानी की चालबाज बन जाए बल्कि कहानी और भावनाएं जो है चालक बन जाती है। तैयारी में एनिमेशन ने एक कदम उठाया। वहीं पे 6 घंटे की कुनफू का एक शूट किया गया था इस फिल्म को। निर्माता यहाँ पे मिलीसा कोव ने कहा था कि मूल रूप से पो अधिक जो है बेवकूफ था, लेकिन यहाँ पे जैक ब्लैक को सुनने के बाद उसका चित्रण जो है बदल गया था, उसका चरित्र बदल गया। फिल्म में फिर ब्लैक के अनुसार उन्होंने ज़्यादातर जो है अलगाव में काम किया। हालांकि उन्होंने और यहाँ पे डस्टिन जो हॉफमैन ने एक साथ एक दिन बिताया, इससे जो है कॉव ने कहा था कि इससे उस दृश्य में मदद मिली जहाँ पे उनके पात्रों का यहाँ पे आमना सामना भी होता है। जहाँ पे लूसी लियो ने कहा था कि फिल्म काफ़ी जो है अलग थी क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया थी, जब वह चलती थी तो यहाँ पे ऐसी दिखती थी कि एक बेहतरीन कहानी हो। वहीं पे दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का विश्व प्रीमियर 15 मई 2008 को 61वें कॉन्स फिल्म महत्व शो में हुआ था, जहाँ पे फिल्म की स्क्रीनिंग के एंडिंग में इससे भारी तालियां मिली थी। और बाद में कुनफू पांडा राष्ट्रीय प्रीमियर 2008 को अमेरिका में आईमैक्स में हॉलीवुड लॉस एंजलिस और फिर कैलिफोर्निया में AMC और फिर जो है रीगल एंटरटेनमेंट ग्रुप में हुआ था। 26 जून 2008 को लंदन के या पे लिस्टेसर जो है या पे स्क्वारल में किया गया। कुनफू पांडा को बेस्ट बॉय यानी कि एक्सक्लूसिव के रूप में 9 नवम्बर 2008 को DVD और ब्लूरे पर और 6 दिसंबर 2011 को 3D ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। कुनफू पांडा की DVD डबल पैक रिलीज में एक लघु जो है एनिमेशन फिल्म और फिर जो है सीक्रेट ऑफ फ्यूरियस फाइव शामिल है और 2008 में ये सब चीज़ें किया गया था। फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में अगर बात कर ले तो इस फिल्म ने अपने शुरुआती हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया और 4114 थिएटरों में इसको रिलीज किया गया था, जहाँ से इसने 14,662 की औसत कमाई के साथ 60 बिलियन से अधिक की कमाई किया डॉलर में और फिर जो है विश्लेषकों की अपेक्षा से कई बेहतर प्रदर्शन किया था। ये फिल्म उस समय की किसी भी ग्रेजुएट सीक्वल और फिर जो है ड्रीम वर्स एनिमेशन फिल्म के लिए सबसे अधिक के कमाई करने वाली ओपनिंग मूवी थी। अपने दूसरे हफ्ते में फिल्म जो है 4,136 थिएटरों तक के विस्तार करने के बाद 8,127 की औसत के साथ कमाई किया, जो कि 33.6 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली द इनक्रेडिबल हल्क के बाद हुआ था। वहीं पर 44% जो है पीछे दूसरे स्थान पर रैंकिंग किया था। रिलीज के 125 दिनों के बाद ये मूवी 2 अक्टूबर 2008 को बंद हो गया था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का और कनाडा में 215 मिलियन से अधिक की कमाई इस मूवी ने कर लिया था। ये मूवी साल 2008 में रिलीज हुई अमेरिकी एनिमेशन मार्शल आर्ट कॉमेडी फिल्म है, जो कि ड्रीम वर्क एनिमेशन द्वारा इस मूवी को निर्मित किया गया था और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा इस फिल्म को दुनिया भर में वितरित किया गया था। इसी के साथ दोस्तों कुनफू पांडा ये फिल्म जिसकी रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं, इस मूवीज को फ्रेंचाइजी में पहले किसके तौर पे जाना जाता है, जिसे जॉन स्टीवेंसन द्वारा
निर्देशित किया गया था और उनके फीचर निर्देशन में पहली फिल्म है। वही भी आपको बता दें, बार के उस बोर्ड द्वारा सह निर्देशित किया गया था इस मूवीज को। और उनके अलावा फिल्म में जोनाथन एबेल और ग्लेन बर्जर द्वारा इस फिल्म की कहानी लिखित की गई है। वही भी आपको बता दें, साइरस बोरिस की कहानी से फिल्म में जैक ब्लैक उनके अलावा डस्टिन और हाफ मैन जो है एंजेलिना जोली इस पर अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। उनके अलावा यार मैक्सिन और फिर जो है सेठ रोजन भी इसमें थे। लूसी लियो को भी इसमें देखा गया था। दोस्तों ये फिल्म उस वक्त रिलीज हुई थी साल 2008 में और उस वक्त सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में इसे जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का प्रचारित काम अक्टूबर 2004 में शुरू हुआ और इसकी कल्पना ड्रीम वर्क्स एनिमेशन के कार्यकारी माइकल लेचेस ने देखा था। माइकल यहाँ पे लेचेस ने मूल रूप से मार्शल आर्ट फिल्मों की पैरोडी के रूप में की थी। हालांकि निर्देशक जो है एस्टी वेजन ने इसके बजाय एक एक्सेस कॉमेडी और फिर जो है बुक्स या फिल्म बनाने का फैसला किया था इससे पहले, जिसमें जो है मुख्य किरदार के लिए नाइक की यात्रा की कथा को शामिल किया गया था। वही जिसमें कंप्यूटर एनिमेशन इस बार जो है था, लेकिन वहाँ पर ड्रीम वर्क्स द्वारा पहले की गई किसी भी चीज़ की तुलना में अधिक जो है जटिल था इस फिल्म की कहानी। वहीं पे परियोजना की आधिकारिक घोषणा सितंबर 2005 में की गई थी और फिर कुनफू पांडा के लिए स्कोर अधिकांश ड्रीम वर्क्स और फिर एनिमेशन फिल्मों की तरह हर्ष जीवर द्वारा तैयार किया गया था। इस बार वहाँ पे जॉन जो है पावेल के साथ सहयोग करते हुए पूर्व ने संस्कृति को आत्मसात करने के लिए चीन का दौरा किया और चीन यहाँ पे नेशनल जो है सिम्फनी के साथ यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा का उपयोग किया और वहीं पे स्कोरिंग जो है प्रक्रिया के भाग के रूप में काम किया था। इसी के साथ दोस्तों कुनफू पांडा फिल्म को सीधे 6 जून 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटक रूप से रिलीज किया गया था और इसने रिलीज होने के बाद 130 मिलियन डॉलर के बजट पर बनी 631.7 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे ये फिल्म 2008 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म में से एक रही थी। वही दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को सबसे बेहतरीन एनिमेशन फिल्म का अवार्ड भी दिया गया, जहाँ पे श्रेक फ्रेंचाइजी के बाद अमेरिकी और कनाडाई बॉक्स ऑफिस पर जो है ड्रीम वर्क्स और फिल्म के लिए चौथा सबसे बड़ा शुरुआती हफ्ता होने के अलावा इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी और इसे अकेडमी पुरस्कार के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, लेकिन दोनों पुरस्कार वाल ए से हार गए और फिल्म की सफलता ने एक मल्टी मीडिया फ्रेंचाइजी को जन्म दिया, जिसमें जो है कुनफू पांडा 2011 में रिलीज हुई और फिर कुनफू पांडा 3 2016 में रिलीज हुई। उसके बाद कुनफू पांडा 4 मूवी साल 2024 में रिलीज होने वाली है। आइए दोस्तों अब एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी को। दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है शांति की घाटी में प्राचीन चीन में वहाँ पे मानवरूपी जानवरों का निवास स्थान विशाल पांडा पो मिस्टर पिक नाम के अपने दत्तक हंस पिता की मदद करते हैं। वही अपना जो है नूडल रेस्तरा भी चलाते हैं और वहाँ पे फ्यूरियस 5 मास्टर जो है वहाँ पे थे, जो कि टाइग्रेस बंदर क्रेन और फिर वहाँ पे वाइपर के साथ लड़ने का सपना देखते हैं और वहाँ पे बेस्टिन जो है कुनफू और फिर जो है मास्टर्स का एक समूह जो है फिल्म में और वह जेड पैलेस में रहते हैं, जहाँ पे उन्हें मास्टर सिफू एक सनकी लाल पांडा द्वारा प्रशिक्षित करवाते हैं। फिर एक दिन वहाँ पे बुद्धिमान वो कछुआ आता है, जो कि मास्टर जो है ओगवे ने भविष्यवाणी की थी कि सिफू का पूर्व हिम जो है तेंदुआ यानी कि शिष्य ताई होगा, जहाँ पे ताई लुंग जेल से भाग जाते हैं और वहाँ पे ड्रैगन स्क्रॉल आते हैं जो कि प्राप्त करने के लिए घाटी पर हमला करेगा। वहीं पे एक पौराणिक जो है काला कृति जिसे उसने पहले ही अस्वीकार कर दिया था, फिर वह घबरा कर उससे सिफू ने मंगोलिया के चोर को ले गया, जहाँ पे वह सुरक्षा बढ़ाने के लिए जेंग नाम के एक हंस को भेजा, जहाँ पे ताई लुंग को खड़ा किया गया था फिल्म के अंदर। अब इस कहानी में उसी समय सिफू 5 के लिए एक टूर्नामेंट आयोजित करता है ताकि वहाँ पे ओगवे ड्रैगन योद्धा की पहचान कर सके, जो कि स्क्रॉल पढ़ने के योग्य दायक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने जो है पात्रों को असीमित शक्ति प्रदान भी कर सकता है। वहीं पे पो मैदान में प्रवेश करने के लिए बहुत देर से पहुँचता है और अपनी जो है मूर्तियों को देखने के लिए बेताब हो चुका है और वह गलती से टूर्नामेंट के बीच में जो आतिशबाजी के कारण
कुर्सी से उतर गया। वहीं पे ओगवे ने पो को ड्रैगन योद्धा घोषित किया और जब जो है ये सब कुछ हुआ तो वहीं पे ओगवे के फैसले को एक दे दुर्घटना बांधते हुए हैरान होते हुए दिखाया गया। वहीं पे शिफू जो है कठोर और प्रशिक्षण किया गया जो कि व्यवस्था के साथ पो को खत्म करने की कोशिश किया गया, जबकि वहाँ पे फाइव पो को एक उत्साही व्यक्तित्व के रूप में खारिज कर दिया गया जिसमें कुर्फू पांडा में कोई भी जो क्षमता नहीं है। फिर जो है पो छोड़ने पर यहाँ पे विचार करता है, लेकिन वहाँ पे ओगवे से प्रोत्साह प्राप्त करने के बाद वह अपना प्रशिक्षण जारी रखता है, जहाँ पे धीरे धीरे अपने जो है आली चेपर के साथ काम किया वहीं पे कौशल और अच्छे हास्य के साथ पांचों से दोस्ती कर लेता है कहानी में। और इसी दौरान पो को पता चलता है कि शिफू का ठंडा और दूर का व्यवहार ताई लुंग के विश्वासघात पर उसकी खुद की शर्मिंदगी से उपज चुका है जिसने उसे बचपन से बड़ा किया है। वहीं पे चोर गेम जेल में जेंग की काम के ऊपर जो है रखा हुआ है और जेंग की चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देता है और वहीं पे ताई लुंग वहाँ से फिर भाग जाता है। शिफू ने वहाँ पे ओगवे को घटना के बारे में सूचित किया जिसमें जो है कछुआ शामिल है। शिफू को आड़ू के फूलों की एक धारा में आत्म क्षेत्र में जाने से पहले पो को ड्रैगन योद्धा के रूप में विश्वास करने का वादा करवाता है। कहानी में शिफू और पो और फिर जो है पांचों को ताई लुंग के भागने की सूचना देते हैं और पो को बताते हैं कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो उसे रोक सकते हैं। वहीं पे वह जो है ठगा हुआ महसूस करते हुए ताई ग्रोस गुस्से में से वहाँ पे शिफू को समझने की कोशिश करता है कि वह ताई लुंग के भागने की तैयारी के लिए कई वर्षों से पांचों को प्रशिक्षण दे रहा है, लेकिन शिफू उसे बताते हैं कि ताई लुंग को रोकना पो की नियति है। और ये जो है सुनकर कि ओगवे गुजर गया है और इससे भी ज़्यादा वो नाराज हो जाता है। ओगवे गुजर चुका है तो ताई लुंग और फिर जो है तेज़ी से वहाँ पे आते हैं और ही पो भी वहाँ पे आ जाता है जो अभी भी कुनफू के साथ कोई भी जो है प्रगति नहीं कर पा रहा है। भागने का प्रयास करता है वहाँ से, लेकिन शिफू उसे रोक देता है। फिर पो फिर जो है शिफू को ये स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि वह नहीं जानता कि ड्रैगन योद्धा के लिए पांडा को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। वहीं पे बाधित होकर ये सुन लेती है और पांचों को ताई लुंग को रोकने के गुप्त प्रयास में उसे लेकर जाते हैं। अब वहीं पर इस बीच शिफू को पता चलता है कि भोजन से प्रेरित होने पर वो प्रभावशाली जो है शारीरिक कर्तव्य दिखाने में सक्षम है और इन कर्तव्यों को एक अभिव्यक्त कुनफू या फिर शैली शामिल करके पो को अभी सफलतापूर्वक जो है प्रशिक्षित कर देते हैं। उसके बाद द फ्यूरियस फाइव जो है वहाँ पे आते हैं। द फ्यूरियस फाइव ताइलुंग से लड़ता है, हालांकि वहाँ पे क्रेन को छोड़कर सभी जल्द ही उसकी नरवा स्ट्राइक जो है टेक्निकी से हार गए थे। जहाँ पे क्रेन जो है टाइग्रेस के साथ काम किया, जहाँ पे वाइपर बंदर और बैटिस को यहाँ पे जेड के साथ रखा गया था। जेड वहीं पे पैलेस में वापस से उसे लेकर जाती है जहाँ पे शिफू उन्हें पुनर्जीवित करता है और फिर जो है निर्णय लेता है कि पो ड्रैगन और स्क्रोल प्राप्त करने के लिए तैयार है। जब पो इसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि स्क्रोल एक खाली प्रतिबिंब सतह के अलावा और कुछ नहीं है, जो कि निराश होकर पो और पांचों ने घाटी के निवासियों को निकाल दिया, जबकि शिफू अकेले ताई लुंग का सामना करने के लिए तैयार हो गया, जो कि व्याकुल पो को वहीं पे छोड़ देता है। और सांत्वना देने की कोशिश में श्री पिग ने खुलासा किया था कि उनके गुप्त घाटक पो में जो है बदल गया है, जो कि गुप्त या फिर घटक नहीं है। और ये समझते हुए कि विश्वास के साथ चीज़ें जो है विशेष बन सकती है, इस कहानी में ये सब कुछ महसूस करते हुए कि ये जो है ड्रैगन स्क्रोल का संदेह है, फिर पो शिफू की मदद करने के लिए वापस वहाँ पर आता है। जेड पैलेस पे तबाही मचा चुका था और उसके बाद वहाँ पे लुंग शिफू पर हावी हो जाता है और स्क्रोल का स्थान जानने की मांग करता है, जहाँ पर कहानी में देखने को मिलता है पो फिर जो है ड्रैगन और फिर जो है स्क्रोल के साथ बातचीत करने में लगा हुआ है, जहाँ पे ताई लुंग को युद्ध के लिए चुनौती देता है। फिर पो एक दुर्जय प्रतिद्वंदी साबित होता है जो अपनी जो है यहाँ पे भ्रमित करने वाली लड़ाई टेक्निकियों से ताई लुंग को निराश करता है। ताई लुंग अंत तक जो है जीत जाता है, लेकिन खाली स्क्रोल से निराशा भी नहीं है और अपना गुस्सा पो पर जो है निकालता है। ये पता चलने पर कि उसके शरीर के चर्बी उसे ताई लुंग के यहाँ पे तंत्रिका जो है हमलों के प्रति प्रतिरिक्ष बना पाएगा, फिर पो अपने जो है प्रतिद्वंदी को अपनी नई कुनफू
शैली से पराजित करता है और अंततः जो है बूसी फिंगर होल्ड और फिर जो है टेक्निकी का उपयोग करके उसे आत्म क्षेत्र में भेज देता है। पोको घाटी द्वारा यहाँ पे संबादित किया जाता है और उसे टाइग्रेस एड के साजो फ्यूरियस 5 का सम्मान मिलता है। क्रेडिट के बाद के एक दृश्य में सिफु और पो एक साथ जो भोजन करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि सिफु द्वारा पहले लगाया गया आडू जो पृष्ठभूमि में एक पेड़ पर जाता है और ये कहानी आपको कुर्फ पांडा में देखने को मिलता है। ये कुर्फ पांडा की पहली पार्ट है जो 2008 में रिलीज हुई थी। इसी के साथ दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बात कर ले तो दोस्तों बता दें ड्रीम वर्क्स एनिमेशन ने पहले अपने बंद हो चुके वीडियो गेम जो है और इसके अलावा डिवीजन जो है ड्रीम वर्क्स एंटरटेनमेंट में काम किया था। एंटर जो है एक्टिव से जिसे अब जो है डेंजर क्लोज गेम्स के नाम से भी जाना जाता है और वह भी आपको बता दें उनके तहत इस तरह के जो है आधार पर प्ले स्टेशन किया और वीडियो गेम जो है टाइफू रिलीज किया था जो रेड ऑफ द यहाँ पे टाइगर का निर्माण किया गया था 2004 में। 2004 के वसंत में एक एरिक जो है वहाँ पे वेट गार्डन ने सील लोरिक की एक जो है सेटिंग लिखी जो कि वहाँ पे रूड यार्ड और फिर जो है बीक लिंक की गई और ये चीज़ देखने को मिला था। द यहाँ पे हवाइट सील की शुरुआती जो है कविता थी इसे जो है डीम वर्क से एक एनिमेशन फीचर के लिए अनुकूलित करने का इरादा किया था। कुछ हफ्ता बाद इस विचार को त्याग दे और इसके जो है बजाय कुर्फू पांडा के लिए उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। वही भी दोस्तों फिल्म पर जो है प्रचारित काम अक्टूबर 2004 में शुरू हुआ। सितंबर 2005 में ड्रीम वर्क्स ने जैक ब्लैक के साथ फिल्म की घोषणा की थी जिसे जो है मुख्य वॉइस स्टार के रूप में चुना गया। नवंबर 2005 में जो है ड्रीम वर्क्स ने घोषणा किया था कि स्टीन डॉस्टिन जो है हाफ में जैकी चैन और फिर जो है लूसी लियू और डायन जो है बैक के सेट के साथ इसमें आवाज़ ड्रॉप करेंगे जो कि जैक ब्लैक के साथ जो है कलाकारों में शामिल होंगे। ये दूसरी जो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन फिल्म भी है जिसमें जो है ब्लैक और एंजेलिना जोली ने एक साथ अभिनय किया है और पहले 2004 की शॉर्ट कट में या फिर शॉर्ट टेल में देखा गया था इन दोनों को अंदर। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का विचार जो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन के कार्यकारी जो है माइकल जो है लेंचेस द्वारा तैयार किया गया था जो कि प्रारंभ में विचार इसे एक स्पूफ बनाने का था लेकिन सह निर्देशक जॉर्ज स्टीवेंसन इसमें विशेष रूप से जो है उत्सुकता नहीं थे और इसके बजाय उन्होंने एक चरित्र यहाँ पे आधारित और फिर जो है बुक्स या कॉमेडी की दिशा में उन्होंने अपना रुख किया। कथित तौर पर जो है स्टीफन चाओ की 2004 की मार्शल आर्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म जो है कुर्फू हसल से प्रेरित था। सह निर्देशक ये जो सुरक्षित करना चाहते थे कि फिल्म में एक प्राणिक जो है चीनी और कुर्फू का अनुभव भी हो जो कि प्रोडक्शन डिजाइनर रेबर्ड के साथ मिलकर काम करे वहीं पे जी बैक और फिर जो है कला निर्देशक जो है तांग हेंग ने फिल्म का स्वरूप तैयार करने में मदद के लिए चीनी जो है चित्रकला और फिर जो है मूर्ति कला के साथ बातचीत किया जो कि वास्तुकला और फिर जो है कुर्फू फिल्मों पर शोध करने में वर्षों बिताए थे। जहाँ पे जी बैक ने कहा था कि उनके लिए कुछ सबसे बड़े जो है प्रभाव हीरो हाउस ऑफ फियर की फ्लाइंग और फिर जो है डेगर्स हो सकता है जो कि वहाँ पे क्राउची जो है टाइगर हिडन और ड्रेगन जैसी जो है अधिक कलात्मक जो है मार्शल आर्ट फिल्मों में है। इस फिल्म के लिए यहाँ पे स्टीन वेंसर का उद्देश्य जिसे बनाने में 4 साल लगे वहीं पे ड्रीम वर्क्स द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे जो अच्छी दिखने वाली फिल्म में से एक इसको माना जाता है। इसी के साथ इस फिल्म की शुरुआत में हाथ से बनाया गया एनिमेशन जो अनुक्रम और चीनी छाया के ऊपर जो है कठपुतली जैसा जो है बनाया गया था जहाँ पे उद्घाटन जिसे जो है जेनिफर यू और फिर डेल्सन द्वारा निर्देशित किए गए थे और वहीं पे जेम्स जो है बैक्टसर द्वारा निर्मित किया गया था कि जहाँ पे न्यूयॉर्क शहर में टाइम्स के समीक्षक जो है मनोहला डर्गिस ने आकर्षक और अधिकांश मुख्यधारा की अमेरिकी एनिमेशन से दृष्टिगत रूप से जो है एक में प्रशंसा इसको की थी। अन्य समीक्षकों ने शुरुआत की तुलना में वहाँ पे जेडी और टाटा कोस्वी की कार्टून नेटवर्क जो है श्रृंखला और फिर जो है समुराई जैकी की विचारों तेजक जो है शैली से भी आगे गए थे। फिल्म का बाकी हिस्सा आधुनिक कंप्यूटर एनिमेशन से बनाया गया जो कि चीनी के प्राकृतिक जो है परिदृश्य को उजागर करने के लिए चमकीले अनोखे रंगों का उपयोग किया गया है। अंतिम क्रेडिट में अनुक्रम में हाथ से बनाए गए पात्र और पृष्ठभूमि में स्थिति जो है पेंटिंग भी शामिल किया गया था कहानी में। वही आपको बता दें पूरी फिल्म में इस्तेमाल किया गया था जो कंप्यूटर एनिमेशन ड्रीम वर्क्स द्वारा पहले किए गए किसी भी काम की तुलना में अधिक जटिल था।
जब प्रोडक्शन के प्रमुख ने VFX सुपरवाइजर जो है मार्कस और फिर जो है बेनी डेनी को स्क्रिप्ट सौंपी तो वह एक कथित तौर पर जो हंसे और उन्हें शुभकामनाएं दी। जब हमने बात करना शुरू किया था तब देखने को मिला था जहाँ पे बंदीने ने कहा था कि फिल्म अभी भी एक जो है अवधारणा की तरफ ले जाएगा, लेकिन वहाँ पे जिसने इसे जो है देखा है उसके लिए ये जटिलता के रूप में सामने आएगी। हमने यह कहकर एक शुरुआत की थी। वहीं पे आप इस फिल्म को यहाँ पे मूर्त कैसे बना सकते ये भी देखने को मिला, जो कि आप स्मार्ट कैसे पा सकते हैं इस दुनिया को इस तरह से जीवंत करने के तरीके की ये एक महान फिल्म बन जाए और ऐसा महसूस ना हो कि जटिलताएँ कहानी की चालबाज बन जाए बल्कि कहानी और भावनाएं जो है चालक बन जाती है। तैयारी में एनिमेशन ने एक कदम उठाया, वहीं पे 6 घंटे की कुनफू का एक शूट किया गया था इस फिल्म को। निर्माता यहाँ पे मिलिशा कोव ने कहा था कि मूल रूप से पो अधिक जो है बेवकूफ़ था, लेकिन यहाँ पे जैक ब्लैक को सुनने के बाद उसका चित्रण जो है बदल गया था, उसका चरित्र बदल गया फिल्म में। फिर ब्लैक के अनुसार उन्होंने ज़्यादातर जो है अलगाव में काम किया, हालांकि उन्होंने और यहाँ पे डस्टिन जो हॉफमैन ने एक साथ एक दिन बिताया। इससे जो है कॉव ने कहा था कि इससे उस दृश्य में मदद मिली जहाँ पे उनके पात्रों का यहाँ पे आमना सामना भी होता है, जहाँ पे लूसी लियो ने कहा था कि फिल्म काफ़ी जो है अलग थी क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया थी, जब वह चलती थी तो यहाँ पे ऐसी दिखती थी कि एक बेहतरीन कहानी हो। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का विश्व प्रीमियर 15 मई 2008 को 61वें कॉन्स फिल्म महत्व शो में हुआ था, जहाँ पे फिल्म की स्क्रीनिंग के एंडिंग में इससे भारी तालियां मिली थी और बाद में कुनफू पांडा राष्ट्रीय प्रीमियर 2008 को अमेरिका में आईमैक्स में हॉलीवुड लॉस एंजलिस और फिर कैलिफोर्निया में AMC और फिर जो है रीगल एंटरटेनमेंट ग्रुप में हुआ था। 26 जून 2008 को लंदन के यहाँ पे लिस्टेसर जो है यहाँ पे स्क्वारल में किया गया। कुनफू पांडा को बेस्ट बॉय यानी कि एक्सक्लूसिव के रूप में 9 नवंबर 2008 को DVD और ब्लूरे पर और 6 दिसंबर 2011 को 3D ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। कुनफू पांडा की DVD डबल पैक रिलीज में एक लघु जो है एनिमेशन फिल्म और फिर जो है सीक्रेट ऑफ द फ्यूरियस 5 है, सीक्रेट ऑफ फ्यूरियस 5 शामिल है और 2008 में ये सब चीज़ें किया गया था। फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में अगर बात कर ले तो इस फिल्म ने अपने शुरुआती हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया और 4114 थिएटरों में इसको रिलीज किया गया था, जहां से इसने 14662 की औसत कमाई के साथ 60 बिलियन से अधिक की कमाई किया डॉलर में और फिर जो है विश्लेषकों की अपेक्षा से कई बेहतर प्रदर्शन किया था। ये फिल्म उस समय की किसी भी ग्रेजुएट सीक्वल और फिर जो ड्रीम वॉर्स एनिमेशन फिल्म के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाली ओपनिंग मूवी थी। अपने दूसरे हफ्ते में फिल्म जो है 4136 थिएटरों तक के विस्तार करने के बाद 8127 के औसत के साथ कमाई किया, जो कि 33.6 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली द इनक्रेडिबल हल्क के बाद हुआ था। वहीं पर 44% जो है पीछे दूसरे स्थान पर रैंकिंग किया था। रिलीज के 125 दिनों के बाद ये मूवी 2 अक्टूबर 2008 को बंद हो गया था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का और कनाडा में 215 मिलियन से अधिक की कमाई इस मूवी ने कर लिया था। ये मूवी साल 2008 में रिलीज हुई अमेरिकी एनिमेशन मार्शल आर्ट कॉमेडी फिल्म है, जो कि ड्रीम वर्क एनिमेशन द्वारा इस मूवी को निर्मित किया गया था और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा इस फिल्म को दुनिया भर में वितरित किया गया था। इसी के साथ दोस्तों कुनफू पांडा ये फिल्म जिसकी रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं, इस मूवीज को फ्रेंचाइजी में पहले किसके तौर पर जाना जाता है, जिसे जॉन स्टीवेंसन द्वारा निर्देशित किया गया था और उनके फीचर निर्देशन में पहली फिल्म है। वही भी आपको बता दें मार्क के उस बोर्ड द्वारा सह निर्देशित किया गया था इस मूवीज को और उनके अलावा फिल्म में जोनाथन एबेल और ग्लेन बर्जर द्वारा इस फिल्म की कहानी लिखित की गई है। वही भी आपको बता दें साइरस बोरिस की कहानी से फिल्म में जैक ब्लैक, उनके अलावा डस्टिन और हाफ मैन जो है एंजेलिना जोली इस में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। उनके अलावा यार मैक्सिन और फिर जो है सेठ रोजन भी इसमें थे। लूसी लियो को भी इसमें देखा गया था। दोस्तों ये फिल्म उस वक्त रिलीज हुई थी साल 2008 में और उस वक्त सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में इसे जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का प्रचारित काम अक्टूबर 2004 में शुरू हुआ और इसकी कल्पना ड्रीम वर्क्स एनिमेशन के कार्यकारी माइकल लेचेस ने देखा था। माइकल यहाँ पे लेचेस ने मूल रूप से मार्शल आर्ट फिल्मों की पैरोडी के रूप में की थी।
हालांकि निर्देशक जो है एसटी वेजत ने इसके बजाय एक एक्सेस कॉमेडी और फिर जो है बुक्स या फिल्म बनाने का फैसला किया था इससे पहले, जिसमें जो है मुख्य किरदार के लिए डाइक की यात्रा की कथा को शामिल किया गया था। वही जिसमें कंप्यूटर एनिमेशन इस बार जो है था, लेकिन वहाँ पर ड्रीमवर्क्स द्वारा पहले की गई किसी भी चीज़ की तुलना में अधिक जो है जटिल था इस फिल्म की कहानी। वहीं पे परियोजना की आधिकारिक घोषणा सितंबर 2005 में की गई थी और फिर कुनफू पांडा के लिए स्कोर अधिकांश ड्रीमवर्क्स और फिर एनिमेशन फिल्मों की तरह हर्ष जीवर द्वारा तैयार किया गया था। इस बार वहाँ पे जो है पावेल के साथ सहयोग करते हुए पूर्व ने संस्कृति को आत्मसात करने के लिए चीन का दौरा किया और चीन यहाँ पे नेशनल जो है सिम्फनी के साथ यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा का उपयोग किया और वहीं पे स्कोरिंग जो है प्रक्रिया के भाग के रूप में काम किया था। इसी के साथ दोस्तों कुन फू पांडा फिल्म को सीधे 6 जून 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटक रूप से रिलीज किया गया था और इसने रिलीज होने के बाद 130 मिलियन डॉलर के बजट पर बनी 631.7 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे ये फिल्म 2008 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म में से एक रही थी। वही दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को सबसे बेहतरीन एनिमेशन फिल्म का अवार्ड भी दिया गया, जहाँ पे श्रेक फ्रेंचाइजी के बाद अमेरिकी और कनाडाई बॉक्स ऑफिस पर जो है ड्रीमवर्क्स और फिल्म के लिए चौथा सबसे बड़ा शुरुआती हफ्ता होने के अलावा इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी और इसे अकेडमी पुरस्कार के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, लेकिन दोनों पुरस्कार वाल ए से हार गए और फिल्म की सफलता ने एक मल्टी मीडिया फ्रेंचाइजी को जन्म दिया, जिसमें जो है कुन फू पांडा 2011 में रिलीज हुई और फिर कुन फू पांडा 3 2016 में रिलीज हुई। उसके बाद कुन फू पांडा 4 मूवी साल 2024 में रिलीज होने वाली है। आइए दोस्तों अब एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी को। दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है शांति की घाटी में प्राचीन चीन में वहाँ पे मानवरूपी जानवरों का निवास स्थान विशाल पांडा पो मिस्टर पिक नाम के अपने दत्तक हंस पिता की मदद करते हैं। वही अपना जो है नूडल रेस्तरा भी चलाते हैं और वहाँ पे फ्यूरियस 5 मास्टर जो है वहाँ पे थे, जो कि टाइग्रेस बंदर क्रेन और फिर वहाँ पे वाइपर के साथ लड़ने का सपना देखते हैं और वहाँ पे बेस्टिज जो है कुनफू और फिर जो है मास्टर्स का एक समूह जो है फिल्म में और वह जेड पैलेस में रहते हैं। यहाँ पे उन्हें मास्टर सिफू एक सनकी लाल पांडा द्वारा प्रशिक्षित करवाते हैं। फिर एक दिन वहाँ पे बुद्धिमान वो कछुआ आता है, जो कि मास्टर जो है ओगवे ने भविष्यवाणी की थी कि सिफू का पूर्व हिम जो है तेंदुआ यानी कि शिष्य ताई होगा, जहाँ पे ताई लुंग जेल से भाग जाते हैं और वहाँ पे ड्रैगन स्क्रॉल आते हैं जो कि प्राप्त करने के लिए घाटी पर हमला करेगा। वहीं पे एक पौराणिक जो है कालाकृति जिसे उसने पहले ही अस्वीकार कर दिया था, फिर वह घबरा कर उससे सिफू ने मंगोलिया के चोर को ले गया, जहाँ पे वह सुरक्षा बढ़ाने के लिए जेंग नाम के एक हंस को भेजा, जहाँ पे ताई लुंग को खड़ा किया गया था फिल्म के अंदर। अब इस कहानी में उसी समय सिफू 5 के लिए एक टूर्नामेंट आयोजित करता है ताकि वहाँ पे ओगवे ड्रैगन योद्धा की पहचान कर सके, जो कि स्क्रॉल पढ़ने के योग्य दायक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने जो है पात्रों को असीमित शक्ति प्रदान भी कर सकता है। वहीं पे पो मैदान में प्रवेश करने के लिए बहुत देर से पहुंचता है और अपनी जो है मूर्तियों को देखने के लिए बेताब हो चुका है और वह गलती से टूर्नामेंट के बीच में जो आतिशबाजी के कारण कुर्सी से उतर गया। वहीं पे ओगवे ने पो को ड्रैगन योद्धा घोषित किया और जब जो है ये सब कुछ हुआ तो वहीं पे ओगवे के फैसले को एक दुर्घटना बांधते हुए हैरान होते हुए दिखाया गया। वहीं पे सिफू जो है कठोर और प्रशिक्षण किया गया, जो कि व्यवस्था के साथ पो को खत्म करने की कोशिश किया गया, जबकि वहाँ पे 5 पो को एक उत्साही व्यक्तित्व के रूप में खारिज कर दिया गया, जिसमें कुन फू पांडा में कोई भी जो क्षमता नहीं है। फिर जो है पो छोड़ने पर यहाँ पे विचार करता है, लेकिन वहाँ पे ओगवे से प्रोत्साह प्राप्त करने के बाद वह अपना प्रशिक्षण जारी रखता है, जहाँ पे धीरे धीरे अपने जो है आली चेपर के साथ काम किया, वहीं पे कौशल और अच्छे हास्य के साथ पांचों से दोस्ती कर लेता है कहानी में। और इसी दौरान पो को पता चलता है कि सिफू का ठंडा और दूर का व्यवहार ताई लुंग के विश्वासघात पर उसकी खुद की शर्मिंदगी से उपज चुका है,
जिसने उसे बचपन से बड़ा किया है, वहीं पे चोर गेम जेल में जेगे की काम के ऊपर जो है रखा हुआ है और जेगे की चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देता है। और वहीं पे ताई लुंग वहाँ से फिर भाग जाता है। सिफू ने वहाँ पे ओगवे को घटना के बारे में सूचित किया जिसमें जो है कछुआ शामिल है। सिफू को आडू के फूलों की एक धारा में आत्मा क्षेत्र में जाने से पहले पो को ड्रैगन योद्धा के रूप में विश्वास करने का वादा करवाता है। कहानी में सिफू और पो और फिर जो है पाचो को ताई लुंग के भागने की सूचना देते हैं और पो को बताते हैं कि वह एकमात्र व्यक्ति थे जो उसे रोक सकते हैं। वहीं पे वह जो है ठगा हुआ महसूस करते हुए ताई ग्रोस गुस्से में से वहाँ पे सिफू को समझने की कोशिश करता है कि वह ताई लुंग के भागने की तैयारी के लिए कई वर्षों से पाचों को प्रशिक्षण दे रहा है, लेकिन सिफू उसे बताते हैं कि ताई लुंग को रोकना पो की नियति है। और ये जो है सुनकर कि ओगवे गुजर गया है और इससे भी ज़्यादा वो नाराज हो जाता है। ओगवे गुजर चुका है तो ताई लुंग और फिर जो है तेज़ी से वहाँ पे आते हैं और ही पो भी वहाँ पे आ जाता है जो अभी भी कुनफू के साथ कोई भी जो है प्रगति नहीं कर पा रहा है। भागने का प्रयास करता है वहाँ से लेकिन सिफू उसे रोक देता है। फिर पो फिर जो है सिफू को ये स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि वह नहीं जानता कि ड्रैगन योद्धा के लिए पांडा को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। वहीं पे बाधित होकर ये सुन लेती है और पाचों को ताई लुंग को रोकने के गुप्त प्रयास में उसे लेकर जाते हैं। अब वहीं पर इस बीच सिफू को पता चलता है कि भोजन से प्रेरित होने पर वो प्रभावशाली जो है शारीरिक कर्तव्य दिखाता है, कर्तव्य दिखाने में सक्षम है और इन कर्तव्यों को एक अभिव्यक्त कुनफू या फिर शैली शामिल करके पो को अब सफलतापूर्वक जो है प्रशिक्षित कर देते हैं। उसके बाद द फ्यूरियस फाइव जो है वहाँ पे आते हैं। द फ्यूरियस फाइव ताई लुंग से लड़ता है, हालांकि वहाँ पे क्रेन को छोड़कर सभी जल्द ही उसकी नरवा स्ट्राइक जो है टेक्निकी से हार गए थे। जहाँ पे क्रेन जो है टाइग्रेस के साथ काम किया, जहाँ पे वाइपर बंदर और बेटिस को यहाँ पे जेट के साथ रखा गया था। जेड वहीं पे पैलेस में वापस से उसे लेकर जाती है जहाँ पे सिफू उन्हें पुनर्जीवित करता है और फिर जो है निर्णय लेता है कि पो ड्रैगन और स्क्रोल प्राप्त करने के लिए तैयार है। जब पो इसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि स्क्रोल एक खाली प्रतिबिंब सतह के अलावा और कुछ नहीं है, जो कि निराश होकर पो और पाचो ने घाटी के निवासियों को निकाल दिया। जबकि सिफू अकेले ताई लुंग का सामना करने के लिए तैयार हो गया, जो कि व्याकुल पो को वहीं पे छोड़ देता है और सांत्वना देने की कोशिश में श्री पिग ने खुलासा किया था कि उनके गुप्त घाटक पो में जो है बदल गया है, जो कि गुप्त या फिर घटक नहीं है। और ये समझते हुए कि विश्वास के साथ चीज़ें जो है विशेष बन सकती है, इस कहानी में ये सब कुछ महसूस करते हुए कि ये जो है ड्रैगन स्क्रोल का संदेह है, फिर पो सिफू की मदद करने के लिए वापस वहाँ पर आता है। जेड पैलेस पे तबाही मचा चुका था और उसके बाद वहाँ पे लुंग सिफू पर हावी हो जाता है और स्क्रोल का स्थान जानने की मांग करता है। जहाँ पर कहानी में देखने को मिलता है पो फिर जो है ड्रैगन और फिर जो है स्क्रोल के साथ बातचीत करने में लगा हुआ है, जहाँ पे ताई लुंग को युद्ध के लिए चुनौती देता है। फिर पो एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी साबित होता है जो अपनी जो है यहाँ पे भ्रमित करने वाली लड़ाई टेक्निकियों से ताई लुंग को निराश करता है। ताई लुंग अंत तक जो है जीत जाता है, लेकिन खाली स्क्रोल से निराशा भी नहीं है और अपना गुस्सा पो पर जो है निकालता है। ये पता चलने पर कि उसके शरीर के चर्बी उसे ताई लुंग के यहाँ पे तंत्रिका जो है हमलों के प्रति प्रतिरिक्ष बना पाएगा। फिर पो अपने जो है प्रतिद्वंदी को अपनी नई कुनफू शैली से पराजित करता है और अंत तक जो है बूशी फिंगर होल्ड और फिर जो है टेक्निकी का उपयोग करके उसे आत्म क्षेत्र में भेज देता है। पोको घाटी द्वारा यहाँ पे सम्मानित किया जाता है और उसे टाइग्रेस एड के साजो फ्यूरियस फाइव का सम्मान मिलता है। क्रेडिट के बाद के एक दृश्य में सिफू और पो एक साथ जो भोजन करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि सिफू द्वारा पहले लगाया गया आडू जो है पृष्ठभूमि में एक पेड़ पर जाता है। और ये कहानी आपको कुनफू पांडा में देखने को मिलता है। ये कुनफू पांडा की पहली पार्ट है जो 2008 में रिलीज हुई थी। इसी के साथ दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बात कर ले तो दोस्तों बता दें ड्रीम वर्क्स एनिमेशन ने पहले अपने बंद हो चुके वीडियो गेम जो है और इसके अलावा डिवीजन जो है ड्रीम वर्क्स एंटरटेनमेंट में काम किया था। एंटर जो है एक्टिव से जिसे अब जो है डेंजर क्लोज गेम्स के नाम से भी जाना जाता है।
और वह भी आपको बता दें उनके तहत इस तरह के जो है आधार पर प्ले स्टेशन किया और वीडियो गेम जो है टाइफो रिलीज किया था जो रेड ऑफ द यहाँ पे टाइगर का निर्माण किया गया था 2004 में। 2004 के वसत में एक एरिक जो है वहाँ पे वेट गार्डे ने सील लोरिक की एक जो है सेटिंग लिखी जो कि वहाँ पे रूड यार्ड और फिर जो है बीक लिंक की गई और ये चीज़ देखने को मिला था। द यहाँ पे हवाइट सील की शुरुआती जो है कविता थी इसे जो है डीम वर्क से एक एनिमेशन फीचर के लिए अनुकूलित करने का इरादा किया था। कुछ हफ्ता बाद इस विचार को त्याग दे और इसके जो है बजाय कुरफू पांडा के लिए उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। वही भी दोस्तों फिल्म पर जो है प्रचारित काम अक्टूबर 2004 में शुरू हुआ। सितंबर 2005 में ड्रीम वर्क्स ने जैक ब्लैक के साथ फिल्म की घोषणा की थी जिसे जो है मुख्य वॉइस स्टार के रूप में चुना गया। नवंबर 2005 में जो है ड्रीम वर्क्स ने घोषणा किया था कि स्टीन डॉस्टिन जो है हाफ में जैकी चैन और फिर जो है लूसी लियू और डायन जो है बैक के सेट के साथ इसमें आवाज़ ड्रॉप करेंगे जो कि जैक ब्लैक के साथ जो है कलाकारों में शामिल होंगे। ये दूसरी जो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन फिल्म भी है जिसमें जो है ब्लैक और एंजेलिना जोली ने एक साथ अभिनय किया है और पहले 2004 की शॉर्ट कट में या फिर शॉर्ट टेल में देखा गया था इन दोनों को अंदर। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का विचार जो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन के कार्यकारी जो है माइकल जो है लेंचेस द्वारा तैयार किया गया था जो कि प्रारंभ में विचार इसे एक स्पूफ बनाने का था लेकिन सह निर्देशक जॉर्ज स्टीवेंसन इसमें विशेष रूप से जो है उत्सुकता नहीं थे और इसके बजाय उन्होंने एक चरित्र यहाँ पे आधारित और फिर जो है बुक्स या कॉमेडी की दिशा में उन्होंने अपना रुख किया। कथित तौर पर जो है स्टीफन चाओ की 2004 की मार्शल आर्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म जो है कुरफू हसल से प्रेरित था। सह निर्देशक ये जो है सुरक्षित करना चाहते थे कि फिल्म में एक प्राणिक जो है चीनी और कुरफू का अनुभव भी हो जो कि प्रोडक्शन डिजाइनर रेबर्ड के साथ मिलकर काम करे वहीं पे जी बैक और फिर जो है कला निर्देशक जो है तांग हेंग ने फिल्म का स्वरूप तैयार करने में मदद के लिए चीनी जो है चित्रकला और फिर जो है मूर्ति कला के साथ बातचीत किया जो कि वास्तुकला और फिर जो है कुरफू फिल्मों पर शोध करने में वर्षों बिताए थे। जहाँ पे जी बैक ने कहा था कि उनके लिए कुछ सबसे बड़े जो है प्रभाव हीरो हाउस ऑफ यानी कि फ्लाइंग और फिर जो है डेगर्स हो सकता है जो कि वहाँ पे क्राउची जो है टाइगर हिडन और ड्रेगन जैसे जो है अधिक कलात्मक जो है मार्शल आर्ट फिल्मों में है। इस फिल्म के लिए यहाँ पे स्टीन वेंसर का उद्देश्य जिसे बनाने में 4 साल लगे वहीं पे ड्रीम वर्क्स द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे जो अच्छी दिखने वाली फिल्म में से एक इसको माना जाता है। इसी के साथ इस फिल्म की शुरुआत में हाथ से बनाया गया एनिमेशन जो अनुक्रम और चीनी छाया के ऊपर जो है कठपुतली जैसा जो है बनाया गया था जहाँ पे उद्घाटन जिसे जो है जेनिफर यू और फिर डेल्सन द्वारा निर्देशित किए गए थे और वहीं पे जेम्स जो है बैक्टसर द्वारा निर्मित किया गया था कि जहाँ पे न्यूयॉर्क शहर में टाइम्स के समीक्षक जो है मनोहला डर्गिस ने आकर्षक और अधिकांश मुख्यधारा की अमेरिकी एनिमेशन से दृष्टिगत रूप से जो है एक में प्रशंसा इसको की थी। अन्य समीक्षकों ने शुरुआत की थी और अन्य समीक्षकों ने शुरुआत की तुलना में वहाँ पे जेडी और टाटा कोस्वी की कार्टून नेटवर्क जो है श्रृंखला और फिर जो है समुराई जैकी की विचारों तेजक जो है शैली से भी आगे गए थे। फिल्म का बाकी हिस्सा आधुनिक कंप्यूटर एनिमेशन से बनाया गया जो कि चीनी के प्राकृतिक जो है परिदृश्य को उजागर करने के लिए चमकीले अनोखे रंगों का उपयोग किया गया है। अंतिम क्रेडिट में अनुक्रम में हाथ से बनाए गए पात्र और पृष्ठभूमि में स्थिति जो है पेंटिंग भी शामिल किया गया था कहानी में। वही आपको बता दें पूरी फिल्म में इस्तेमाल किया गया था जो कंप्यूटर एनिमेशन ड्रीम वर्क्स द्वारा पहले किए गए किसी भी काम की तुलना में अधिक जटिल था। जब प्रोडक्शन के प्रमुख ने VFX सुपरवाइजर जो है मार्कस और फिर जो है बेनी नेनी को स्क्रिप्ट सौंपी तो वह एक कथित तौर पर जो हंसे और उन्हें शुभकामनाएं दी। जब हमने बात करना शुरू किया था तब देखने को मिला था जहाँ पे बंदीने ने कहा था कि फिल्म अभी भी एक ऊंच जो है अवधारणा की तरफ ले जाएगा लेकिन वहाँ पे जिसने इसे जो है देखा है उसके लिए ये जटिलता के रूप में सामने आएगी। हमने यहाँ कहकर एक शुरुआत की थी। वहीं पे आप इस फिल्म को यहाँ पे मूर्त कैसे बना सकते ये भी देखने को मिला जो कि आप स्मार्ट कैसे पा सकते हैं इस दुनिया को इस तरह से जीवंत करने के तरीके की ये एक महान फिल्म बन जाए और ऐसा महसूस ना हो कि जटिलताएँ कहानी की चालबाज बन जाए बल्कि कहानी और भावनाएं जो है चालक बन जाती है। तैयारी में एनिमेशन ने एक कदम उठाया वहीं पे 6 घंटे की कुनफू
का एक शूट किया गया था इस फिल्म को। निर्माता यहाँ पे बिलिशा कोव ने कहा था कि मूल रूप से पो अधिक जो है बेवकूफ था, लेकिन यहाँ पे जैक ब्लैक को सुनने के बाद उसका चित्रण जो है बदल गया था, उसका चरित्र बदल गया फिल्म में। फिर ब्लैक के अनुसार उन्होंने ज़्यादातर जो है अलगाव में काम किया, हालांकि उन्होंने और यहाँ पे डस्टिन जो हॉफमैन ने एक साथ एक दिन बिताया। इससे जो है कॉव ने कहा था कि इससे उस दृश्य में मदद मिली जहाँ पे उनके पात्रों का यहाँ पे आमना सामना भी होता है, जहाँ पे लूसी लियो ने कहा था कि फिल्म काफ़ी जो है अलग थी क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया थी, जब वह चलती थी तो यहाँ पे ऐसी दिखती थी कि एक बेहतरीन कहानी हो। वहीं पे दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का विश्व प्रीमियर 15 मई 2008 को 61वें कॉन्स फिल्म महत्व शो में हुआ था, जहाँ पे फिल्म की स्क्रीनिंग के एंडिंग में इसे भारी तमिलिया इससे भारी तालियां मिली थी। और बाद में कुर्फू पांडा राष्ट्रीय प्रीमियर वर्जित 2008 को अमेरिका में आईमैक्स में, हॉलीवुड लॉस एंजलिस और फिर कैलिफोर्निया में AMC और फिर जो है रीगल एंटरटेनमेंट ग्रुप में हुआ था। 26 जून 2008 को लंदन के यहाँ पे लिस्टेसर जो है यहाँ पे स्क्वारल में किया गया। कुर्फू पांडा को बेस्ट बॉय यानी कि एक्सक्लूसिव के रूप में 9 नवंबर 2008 को DVD और ब्लूरे पर और 6 दिसंबर 2011 को 3D ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। कुर्फू पांडा की DVD डबल पैक रिलीज में एक लघु जो है एनिमेशन फिल्म और फिर जो है सीक्रेट ऑफ द फ्यूरियस 5 है, सीक्रेट ऑफ फ्यूरियस 5 शामिल है और 2008 में ये सब चीज़ें किया गया था। फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में अगर बात कर ले तो इस फिल्म ने अपने शुरुआती हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया और 4114 थिएटरों में इसको रिलीज किया गया था, जहां से इसने 14662 की औसत कमाई के साथ 60 बिलियन से अधिक की कमाई किया डॉलर में और फिर जो है विश्लेषकों की अपेक्षा से कई बेहतर प्रदर्शन किया था। ये फिल्म उस समय की किसी भी ग्रेजुएट सीक्वल और फिर जो है ड्रीम वर्स एनिमेशन फिल्म के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाली ओपनिंग मूवी थी। अपने दूसरे हफ्ते में फिल्म जो है 4136 थिएटरों तक के विस्तार करने के बाद 8127 के औसत के साथ कमाई किया, जो कि 33.6 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली द इनक्रेडिबल हल्के के बाद हुआ था। वहीं पर 44% जो है पीछे दूसरे स्थान पर रैंकिंग किया था। रिलीज के 125 दिनों के बाद ये मूवी 2 अक्टूबर 2008 को बंद हो गया था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का और कनाडा में 215 मिलियन से अधिक की कमाई इस मूवी से कर लिया था। ये मूवी साल 2008 में रिलीज हुई अमेरिकी एनिमेशन मार्शल आर्ट कॉमेडी फिल्म है, जो कि ड्रीम वर्क एनिमेशन द्वारा इस मूवी को निर्मित किया गया था और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा इस फिल्म को दुनिया भर में वितरित किया गया था। इसी के साथ दोस्तों कुर्फू पांडा ये फिल्म जिसकी रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं, इस मूवीज को फ्रेंचाइजी में पहले किसके तौर पर जाना जाता है, जिसे जॉन स्टीवेंसन द्वारा निर्देशित किया गया था और उनके फीचर निर्देशन में पहली फिल्म है। वही भी आपको बता दें मार्क उस बोर्ड द्वारा सह निर्देशित किया गया था इस मूवीज को और उनके अलावा फिल्म में जोनाथन एबेल और ग्लेन बर्जर द्वारा इस फिल्म की कहानी लिखित की गई है। वही भी आपको बता दें साइरस बोरिस की कहानी से फिल्म में जैक ब्लैक उनके अलावा डस्टिन और हाफ मैन जो है एंजेलिना जोली इसमें अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। उनके अलावा यार मैक्सिन और फिर जो है सेठ रोजन भी इसमें थे। लूसी लियो को भी इसमें देखा गया था। दोस्तों ये फिल्म उस वक्त रिलीज हुई थी साल 2008 में और उस वक्त सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में इसे जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का प्रचारित काम अक्टूबर 2004 में शुरू हुआ और इसकी कल्पना ड्रीम वर्क्स एनिमेशन के कार्यकारी माइकल लेचेस ने देखा था। माइकल यहाँ पे लेचेस ने मूल रूप से मार्शल आर्ट फिल्मों की पैरोडी के रूप में की थी, हालांकि निर्देशक जो है स्टीवेंसन ने इसके बजाय एक एक्सेस कॉमेडी और फिर जो है बुक्स या फिल्म बनाने का फैसला किया था इससे पहले, जिसमें जो है मुख्य किरदार के लिए नायक की यात्रा की कथा को शामिल किया गया था, वही जिसमें कंप्यूटर एनिमेशन इस बार जो है था, लेकिन वहाँ पर ड्रीमवर्क्स द्वारा पहले की गई किसी भी चीज़ की तुलना में अधिक जो है जटिल था इस फिल्म की कहानी। वहीं पे परियोजना की आधिकारिक घोषणा सितंबर 2005 में की गई थी और फिर कुर्फू पांडा के लिए स्कोर अधिकांश ड्रीमवर्क्स और फिर एनिमेशन फिल्मों की तरह हर्ष जीवर द्वारा तैयार किया गया था। इस बार वहाँ पे जो है पावेल के साथ सहयोग करते हुए पूर्वज संस्कृति को आत्मसात करने के लिए चीन का दौरा किया और चीन यहाँ पे नेशनल जो है
सिम्फनी के साथ यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा का उपयोग किया और वहीं पे स्कोरिंग जो है प्रक्रिया के भाग के रूप में काम किया था। इसी के साथ दोस्तों कुनफू पांडा फिल्म को सीधे 6 जून 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसने रिलीज होने के बाद 130 मिलियन डॉलर के बजट पर बनी 631.7 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे ये फिल्म 2008 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म में से एक रही थी। वही दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को सबसे बेहतरीन एनिमेशन फिल्म का अवार्ड भी दिया गया, जहाँ पे श्रेक फ्रेंचाइजी के बाद अमेरिकी और कनाडाई बॉक्स ऑफिस पर जो है ड्रीम वर्क्स और फिल्म के लिए चौथा सबसे बड़ा शुरुआती हफ्ता होने के अलावा इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी और इसे अकेडमी पुरस्कार के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, लेकिन दोनों पुरस्कार वाल ए से हार गए और फिल्म की सफलता ने एक मल्टी मीडिया फ्रेंचाइजी को जन्म दिया, जिसमें जो है कुनफू पांडा 2011 में रिलीज हुई और फिर कुनफू पांडा 3 2016 में रिलीज हुई। उसके बाद कुनफू पांडा 4 मूवी साल 2024 में रिलीज होने वाली है। आइए दोस्तों अब एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी को। दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है शांति की घाटी में प्राचीन चीन में वहाँ पे मानवरूपी जानवरों का निवास स्थान विशाल पांडा पो मिस्टर पिक नाम के अपने दत्तक हंस पिता की मदद करते हैं। वही अपना जो है नूडल रेस्तरा भी चलाते हैं और वहाँ पे फ्यूरियस 5 मास्टर जो है वहाँ पे थे, जो कि टाइग्रेस बंदर क्रेन और फिर वहाँ पे वाइपर के साथ लड़ने का सपना देखते हैं और वहाँ पे बेस्टिन जो है कुनफू और फिर जो है मास्टर्स का एक समूह जो है फिल्म में और वह जेड पैलेस में रहते हैं। यहाँ पे उन्हें मास्टर सिफू एक सनकी लाल पांडा द्वारा प्रशिक्षित करवाते हैं। फिर एक दिन वहाँ पे बुद्धिमान वो कछुआ आता है, जो कि मास्टर जो है ओगवे ने भविष्यवाणी की थी कि सिफू का पूर्व हिम जो है तेंदुआ यानी कि शिष्य ताई होगा, जहाँ पे ताई लुंग जेल से भाग जाते हैं और वहाँ पे ड्रैगन स्क्रॉल आते हैं जो कि प्राप्त करने के लिए घाटी पर हमला करेगा। वहीं पे एक पौराणिक जो है काला कृति, जिसे उसने पहले ही अस्वीकार कर दिया था, फिर वह घबरा कर उससे सिफू ने मंगोलिया के चोर को ले गया, जहाँ पे वह सुरक्षा बढ़ाने के लिए जेंग नाम के एक हंस को भेजा, जहाँ पे ताई लुंग को खड़ा किया गया था फिल्म के अंदर। अब इस कहानी में उसी समय सिफू 5 के लिए एक टूर्नामेंट आयोजित करता है ताकि वहाँ पे ओगवे ड्रैगन योद्धा की पहचान कर सके, जो कि स्क्रॉल पढ़ने के योग्य नायक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने जो है पात्रों को असीमित शक्ति प्रदान भी कर सकता है। वहीं पे पो मैदान में प्रवेश करने के लिए बहुत देर से पहुँचता है और अपनी जो है मूर्तियों को देखने के लिए बेताब हो चुका है और वह गलती से टूर्नामेंट के बीच में जो आतिशबाजी के कारण कुर्सी से उतर गया। वहीं पे ओगवे ने पो को ड्रैगन योद्धा घोषित किया और जब जो है ये सब कुछ हुआ तो वहीं पे ओगवे के फैसले को एक दुर्घटना बांधते हुए हैरान होते हुए दिखाया गया। वहीं पे सिफू जो है कठोर और प्रशिक्षण किया गया, जो कि व्यवस्था के साथ पो को खत्म करने की कोशिश किया गया, जबकि वहाँ पे 5 पो को एक उत्साही व्यक्तित्व के रूप में खारिज कर दिया गया, जिसमें कुनफू पांडा में कोई भी जो क्षमता नहीं है। फिर जो है पो छोड़ने पर यहाँ पे विचार करता है, लेकिन वहाँ पे ओगवे से प्रोत्साह प्राप्त करने के बाद वह अपना प्रशिक्षण जारी रखता है, जहाँ पे धीरे धीरे अपने जो है आली चेपर के साथ काम किया, वहीं पे कौशल और अच्छे हास्य के साथ पांचों से दोस्ती कर लेता है कहानी में। और इसी दौरान पो को पता चलता है कि सिफू का ठंडा और दूर का व्यवहार ताई लुंग के विश्वासघात पर उसकी खुद की शर्मिंदगी से उपज चुका है, जिसने उसे बचपन से बड़ा किया है। वहीं पे चोर गेम जेल में जेंग की काम के ऊपर जो है रखा हुआ है और जेंग की चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देता है और वहीं पे ताई लुंग वहाँ से फिर भाग जाता है। सिफू ने वहाँ पे ओगवे को घटना के बारे में सूचित किया, जिसमें जो है कछुआ शामिल है। सिफू को आड़ू के फूलों की एक धारा में आत्मा क्षेत्र में जाने से पहले पो को ड्रैगन योद्धा के रूप में विश्वास करने का वादा करवाता है। कहानी में सिफू और पो और फिर जो है पांचों को ताई लुंग के भागने की सूचना देते हैं और पो को बताते हैं कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो उसे रोक सकते हैं। वहीं पे वह जो है ठगा हुआ महसूस करते हुए ताई ग्रोस गुस्से में से वहाँ पे सिफू को समझने की कोशिश करता है कि वह ताई
लुंग के भागने की तैयारी के लिए कई वर्षों से पांचों को प्रशिक्षण दे रहा है, लेकिन सिफू उसे बताते हैं कि ताई लुंग को रोकना पोकी नियति है और ये जो है सुनकर कि ओग्वे गुजर गया है और इससे भी ज़्यादा वो नाराज हो जाता है। ओग्वे गुजर चुका है तो ताई लुंग और फिर जो है तेज़ी से वहाँ पे आते हैं और हिप्पो भी वहाँ पे आ जाता है जो अभी भी कुनफू के साथ कोई भी जो है प्रगति नहीं कर पा रहा है। भागने का प्रयास करता है वहाँ से लेकिन सिफू उसे रोक देता है। फिर पो फिर जो है सिफू को ये स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि वह नहीं जानता कि ड्रैगन योद्धा के लिए पांडा को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। वहीं पे बाधित होकर ये सुन लेती है और पांचों को ताई लुंग को रोकने के गुप्त प्रयास में उसे लेकर जाते हैं। अब वहीं पर इस बीच सिफू को पता चलता है कि भोजन से प्रेरित होने पर वो प्रभावशाली जो है शारीरिक कर्तव्य दिखाता है, कर्तव्य दिखाने में सक्षम है और इन कर्तव्यों को एक अभिव्यक्त कुनफू या फिर शैली शामिल करके पो को अब सफलतापूर्वक जो है प्रशिक्षित कर देते हैं। उसके बाद द फ्यूरियस फाइव जो है वहाँ पे आते हैं। द फ्यूरियस फाइव ताइलुंग से लड़ता है, हालांकि वहाँ पे क्रेन को छोड़कर सभी जल्द ही उसकी दरवा स्ट्राइक जो है टेक्निकी से हार गए थे, जहाँ पे क्रेन जो है टाइग्रेस के साथ काम किया, जहाँ पे वाइपर बंदर और बेटिस को यहाँ पे जेट के साथ रखा गया था। जेड वहीं पे पैलेस में वापस से उसे लेकर जाती है, जहाँ पे शिफू उन्हें पुनर्जीवित करता है और फिर जो है निर्णय लेता है कि पो ड्रैगन और स्क्रोल प्राप्त करने के लिए तैयार है। जब पो इसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि स्क्रोल एक खाली प्रतिबिंब सतह के अलावा और कुछ नहीं है, जो कि निराश होकर पो और पांचों ने घाटी के निवासियों को निकाल दिया, जबकि शिफू अकेले ताई लुंग का सामना करने के लिए तैयार हो गया, जो कि व्याकुल पो को वहीं पे छोड़ देता है। और सांत्वना देने की कोशिश में श्री पिग ने खुलासा किया था कि उनके गुप्त घाटक पो में जो है बदल गया है, जो कि गुप्त या फिर घटक नहीं है, और ये समझते हुए कि विश्वास के साथ चीज़ें जो है विशेष बन सकती है। इस कहानी में ये सब कुछ महसूस करते हुए कि ये जो है ड्रैगन स्क्रोल का संदेह है, फिर पो शिफू की मदद करने के लिए वापस वहाँ पर आता है। जेड पैलेस पे तबाही मचा चुका था और उसके बाद वहाँ पे लुंग शिफू पर हावी हो जाता है और स्क्रोल का स्थान जानने की मांग करता है, जहाँ पर कहानी में देखने को मिलता है पो फिर जो है ड्रैगन और फिर जो है स्क्रोल के साथ बातचीत करने में लगा हुआ है, जहाँ पे ताई लुंग को युद्ध के लिए चुनौती देता है। फिर पो एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी साबित होता है जो अपनी जो है यहाँ पे भ्रमित करने वाली लड़ाई टेक्निकियों से ताई लुंग को निराश करता है। ताई लुंग अंत तक जो है जीत जाता है, लेकिन खाली स्क्रोल से निराशा भी नहीं है और अपना गुस्सा पो पर जो है निकालता है। ये पता चलने पर कि उसके शरीर के चर्बी उसे ताई लुंग के यहाँ पे तंत्रिका जो है हमलों के प्रति प्रतिरिक्ष बना पाएगा। फिर पो अपने जो है प्रतिद्वंदी को अपनी नई कुनफू शैली से पराजित करता है और अंत तक जो है बूशी फिंगर होल्ड और फिर जो है टेक्निकी का उपयोग करके उसे आत्म क्षेत्र में भेज देता है। पोको घाटी द्वारा यहाँ पे सम्मानित किया जाता है और उसे टाइग्रेस एड के साजो फ्यूरियस फाइव का सम्मान मिलता है। क्रेडिट के बाद के एक दृश्य में सिफू और पो एक साथ जो भोजन करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि सिफू द्वारा पहले लगाया गया आडू जो है पृष्ठभूमि में एक पेड़ बच जाता है। और ये कहानी आपको कुनफू पांडा में देखने को मिलता है। ये कुनफू पांडा की पहली पार्ट है जो 2008 में रिलीज हुई थी। इसी के साथ दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बात कर ले तो दोस्तों बता दें ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने पहले अपने बंद हो चुके वीडियो गेम जो है और इसके अलावा डिवीजन जो है ड्रीमवर्क्स एंटरटेनमेंट में काम किया था। एंटर जो है एक्टिव से जिसे अब जो है डेंजर क्लोज गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। और वह भी आपको बता दें उनके तहत इस तरह के जो है आधार पर प्ले स्टेशन किया और वीडियो गेम जो है टाइफू रिलीज किया था, जो रेड ऑफ द यहाँ पे टाइगर का निर्माण किया गया था 2004 में। 2004 के वसंत में एक एरिक जो है वहाँ पे व्हीट गार्डन ने सील लोरिक की एक जो है सेटिंग लिखी, जो कि वहाँ पे रूड यार्ड और फिर जो है बीक लिंक की गई और ये चीज़ देखने को मिला था। द यहाँ पे हवाइट सील की शुरुआती जो है कविता थी, इसे जो है डीम वर्क से एक एनिमेशन फ्यूचर के लिए अनुकूलित करने का इरादा किया था। कुछ हफ्ता बाद इस विचार को त्यागने और इसके जो है बजाय कुनफू पांडा के लिए उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। वही भी दोस्तों फिल्म पर जो है प्रचारित काम अक्टूबर 2004 में शुरू हुआ। सितंबर 2005 में ड्रीमवर्क्स ने
जैक ब्लैक के साथ फिल्म की घोषणा की थी, जिसे जो है मुखिया वॉयस स्टार के रूप में चुना गया। नवंबर 2005 में जो है ड्रीम वर्क्स ने घोषणा किया था कि स्टीन डॉस्टिन जो है हाफ में जैकी चैन और फिर जो है लूसी लियू और डायन जो है बैक के सेट के साथ इसमें आवाज़ ड्रॉप करेंगे, जो कि जैक ब्लैक के साथ जो है कलाकारों में शामिल होंगे। ये दूसरी जो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन फिल्म भी है जिसमें जो है ब्लैक और एंजेलिना जोली ने एक साथ अभिनय किया है और पहले 2004 की शॉर्ट कॉट में या फिर शॉर्ट टेल में देखा गया था इन दोनों को अंदर। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का विचार जो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन के कार्यकारी जो है माइकल जो है लेंचेस द्वारा तैयार किया गया था, जो कि प्रारंभ में विचार इसे एक स्पूफ बनाने का था, लेकिन सह निर्देशक जॉर्ज स्टीवेंसन इसमें विशेष रूप से जो उत्सुकता नहीं थे और इसके बजाय उन्होंने एक चरित्र यहाँ पे आधारित और फिर जो है बुक्स या कॉमेडी की दिशा में उन्होंने अपना रुख किया। कथित तौर पर जो है स्टीफन चाओ की 2004 की मार्शल आर्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म जो है कुनफू हसल से प्रेरित था। सह निर्देशक ये जो सुरक्षित करना चाहते थे कि फिल्म में एक प्राणिक जो है चीनी और कुनफू का अनुभव भी हो, जो कि प्रोडक्शन डिजाइनर रेबर्ड के साथ मिलकर काम करे। वहीं पे जी बैक और फिर जो है कला निर्देशक जो है तांग हेग ने फिल्म का स्वरूप तैयार करने में मदद के लिए चीनी जो है चित्रकला और फिर जो है मूर्ति कला के साथ बातचीत किया, जो कि वास्तुकला और फिर जो है कुनफू फिल्मों पर शोध करने में वर्षों बिताए थे। जहाँ पे जी बैक ने कहा था कि उनके लिए कुछ सबसे बड़े जो है प्रभाव हीरो हाउस ऑफ फ्यूरी की फ्लाइंग और फिर जो है ड्रेगर्स हो सकता है, जो कि वहाँ पे क्राउची जो है टाइगर हिडन और ड्रेगर जैसी जो है अधिक कलात्मक जो है मार्शल आर्ट फिल्मों में है। इस फिल्म के लिए यहाँ पे स्टीन वेंसर का उद्देश्य जिसे बनाने में 4 साल लगे, वहीं पे ड्रीम वर्क्स द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे जो अच्छी दिखने वाली फिल्म में से एक इसको माना जाता है। इसी के साथ इस फिल्म की शुरुआत में हाथ से बनाया गया एनिमेशन जो अनुक्रम और चीनी छाया के ऊपर जो है कठपुतली जैसा जो है बनाया गया था, जहाँ पे उद्घाटन जिसे जो है जेनिफर यू और फिर नेल्सन द्वारा निर्देशित किए गए थे और वहीं पे जेम्स जो है बैक्टसर द्वारा निर्मित किया गया था, कि जहाँ पे न्यूयॉर्क शहर में टाइम्स के समीक्षक जो है मनोहला डर्गिस ने आकर्षक और अधिकांश मुख्यधारा की अमेरिकी एनिमेशन से दृष्टिगत रूप से जो है एक में प्रशंसा इसको की थी। अन्य समीक्षकों ने शुरुआत की तुलना में वहाँ पे जेडी और टाटा कोस्वी की कार्टून नेटवर्क जो है श्रृंखला और फिर जो है समुराई जैकी की विचारों तेजक जो है शैली से भी आगे गए थे। फिल्म का बाकी हिस्सा आधुनिक कंप्यूटर एनिमेशन से बनाया गया, जो कि चीनी के प्राकृतिक जो है परिदृश्य को उजागर करने के लिए चमकीले अनोखे रंगों का उपयोग किया गया है। अंतिम क्रेडिट में अनुक्रम में हाथ से बनाए गए पात्र और पृष्ठभूमि में स्थिति जो है पेंटिंग भी शामिल किया गया था कहानी में। वही आपको बता दें, पूरी फिल्म में इस्तेमाल किया गया था जो कंप्यूटर एनिमेशन ड्रीम वर्क्स द्वारा पहले किए गए किसी भी काम की तुलना में अधिक जटिल था। जब प्रोडक्शन के प्रमुख ने VFX सुपरवाइजर जो है मार्कस और फिर जो है बेनी डेनी को स्क्रिप्ट सौंपी, तो वह एक कथित तौर पर जो हंसे और उन्हें शुभकामनाएं दी। जब हमने बात करना शुरू किया था तब देखने को मिला था जहाँ पे बंदीने ने कहा था कि फिल्म अभी भी एक ऊंच जो है अवधारणा की तरफ ले जाएगा, लेकिन वहाँ पे जिसने इसे जो है देखा है उसके लिए ये जटिलता के रूप में सामने आएगी। हमने यह कहकर एक शुरुआत की थी। वहीं पे आप इस फिल्म को यहाँ पे मूर्त कैसे बना सकते ये भी देखने को मिला, जो कि आप स्मार्ट कैसे पा सकते हैं इस दुनिया को इस तरह से जीवंत करने के तरीके की ये एक महान फिल्म बन जाए और ऐसा महसूस ना हो कि जटिलताएँ कहानी की चालबाज बन जाए, बल्कि कहानी और भावनाएं जो है चालक बन जाती है। तैयारी में एनिमेशन ने एक कदम उठाया, वहीं पे 6 घंटे की कुनफू का एक शूट किया गया था। इस फिल्म को निर्माता यहाँ पे मिलिशा कोव ने कहा था कि मूल रूप से वो अधिक जो है बेवकूफ था, लेकिन यहाँ पे जैक ब्लैक को सुनने के बाद उसका चित्रण जो है बदल गया था, उसका चरित्र बदल गया फिल्म में। फिर ब्लैक के अनुसार उन्होंने ज़्यादातर जो है अलगाव में काम किया, हालांकि उन्होंने और यहाँ पे डस्टिन जो हाफमैन ने एक साथ एक दिन बिताया, इससे जो है कॉव ने कहा था कि इससे उस दृश्य में मदद मिली जहाँ पे उनके पात्रों का यहाँ पे आमना सामना भी होता है। जहाँ पे लूसी लियो ने कहा था कि फिल्म काफ़ी जो है अलग थी, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया थी, जब वह चलती थी तो यहाँ पे ऐसी दिखती थी कि एक बेहतरीन कहानी हो। वहीं पे दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का विश्व प्रीमियर 15 मई 2008 को 61वें कॉन्स फिल्म
बहुत वह शोबे हुआ था जहाँ पे फिल्म की स्क्रीनिंग के एंडिंग में इससे भारी तबील या इससे भारी तालियां मिली थी और बाद में कुर्फू पांडा राष्ट्रीय प्रीमियर वर्जित 2008 को अमेरिका में आईमैक्स में हॉलीवुड लॉस एंजलिस और फिर कैलिफोर्निया में AMC और फिर जो है रीगल एंटरटेनमेंट ग्रुप में हुआ था। 26 जून 2008 को लंदन के या पे लिस्टेसर जो है या पे स्क्वारल में किया गया। कुनफू पांडा को बेस्ट बॉय यानी कि एक्सक्लूसिव के रूप में 9 नवंबर 2008 को DVD और ब्लूरे पर और 6 दिसंबर 2011 को 3D ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। कुनफू पांडा की DVD डबल पैक रिलीज में एक लघु जो है एनिमेशन फिल्म और फिर जो है सीक्रेट ऑफ द फ्यूरियस 5 है सीक्रेट ऑफ फ्यूरियस 5 शामिल है और 2008 में ये सब चीज़ें किया गया था। फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में अगर बात कर ले तो इस फिल्म ने अपने शुरुआती हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया और 4114 थिएटरों में इसको रिलीज किया गया था जहाँ से इसने 14662 की औसत कमाई के साथ 60 बिलियन से अधिक की कमाई किया डॉलर में और फिर जो है विश्लेषकों की अपेक्षा से कई बेहतर प्रदर्शन किया था। ये फिल्म उस समय की किसी भी ग्रेजुएट सीक्वल और फिर जो है ड्रीम वर्स एनिमेशन फिल्म के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाली ओपनिंग मूवी थी। अपने दूसरे हफ्ते में फिल्म जो है 4136 थिएटरों तक के विस्तार करने के बाद 8127 के औसत के साथ कमाई किया जो कि 33.6 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली द इनक्रेडिबल हल्के के बाद हुआ था। वहीं पर 44% जो है पीछे दूसरे स्थान पर रैंकिंग किया था। रिलीज के 125 दिनों के बाद ये मूवी 2 अक्टूबर 2008 को बंद हो गया था जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का और कनाडा में 215 मिलियन से अधिक की कमाई इस मूवी से कर लिया था। ये मूवी साल 2008 में रिलीज हुई अमेरिकी एनिमेशन मार्शल आर्ट कॉमेडी फिल्म है जो कि ड्रीम वर्क एनिमेशन द्वारा इस मूवी को निर्मित किया गया था और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा इस फिल्म को दुनिया भर में वितरित किया गया था। इसी के साथ दोस्तों कुनफू पांडा ये फिल्म जिसकी रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं इस मूवीज को फ्रेंचाइजी में पहले किसके तौर पर जाना जाता है जिसे जॉन स्टीवेंसन द्वारा निर्देशित किया गया था और उनके फीचर निर्देशन में पहली फिल्म है। वही भी आपको बता दें मार्क के उस बोर्ड द्वारा सह निर्देशित किया गया था इस मूवीज को और उनके अलावा फिल्म में जोनाथन एबेल और ग्लेन बर्जर द्वारा इस फिल्म की कहानी लिखित की गई है। वही भी आपको बता दें साइरस बोरिस की कहानी से फिल्म में जैक ब्लैक उनके अलावा डस्टिन और हाफ मैन जो है एंजेलिना जोली इसमें अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। उनके अलावा यार मैक्सिन और फिर जो है सेठ रोजन भी इसमें थे। लूसी लियो को भी इसमें देखा गया था। दोस्तों ये फिल्म उस वक्त रिलीज हुई थी साल 2008 में और उस वक्त सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में इसे जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का प्रचारित काम अक्टूबर 2004 में शुरू हुआ और इसकी कल्पना ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के कार्यकारी माइकल लेचेस ने देखा था। माइकल यहाँ पे लेचेस ने मूल रूप से मार्शल आर्ट फिल्मों की पैरोडी के रूप में की थी। हालांकि निर्देशक जो है स्टीवेंसन ने इसके बजाय एक एक्सेस कॉमेडी और फिर जो है बुक्स या फिल्म बनाने का फैसला किया था इससे पहले जिसमें जो है मुख्य किरदार के लिए नायक की यात्रा की कथा को शामिल किया गया था। वही जिसमें कंप्यूटर एनिमेशन इस बार जो है था लेकिन वहाँ पर ड्रीमवर्क्स द्वारा पहले की गई किसी भी चीज़ की तुलना में अधिक जो है जटिल था इस फिल्म की कहानी। वहीं पे परियोजना की आधिकारिक घोषणा सितंबर 2005 में की गई थी और फिर कुनफू पांडा के लिए स्कोर अधिकांश ड्रीमवर्क्स और फिर एनिमेशन फिल्मों की तरह हर्ष जीवर द्वारा तैयार किया गया था। इस बार वहाँ पे जॉन जो है पावेल के साथ सहयोग करते हुए पूर्व संस्कृति को आत्मसात करने के लिए चीन का दौरा किया और चीन यहाँ पे नेशनल जो है सिम्फनी के साथ यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा का उपयोग किया और वहीं पे स्कोरिंग जो है प्रक्रिया के भाग के रूप में काम किया था। इसी के साथ दोस्तों कुनफू पांडा फिल्म को सीधे 6 जून 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसने रिलीज होने के बाद 130 मिलियन डॉलर के बजट पर बनी 631.7 मिलियन डॉलर की कमाई की जिससे ये फिल्म 2008 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म में से एक रही थी। वही दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को सबसे बेहतरीन एनिमेशन फिल्म का अवार्ड भी दिया गया जहाँ पे फ्रेंचाइजी के बाद अमेरिकी और कनाडाई बॉक्स ऑफिस पर जो है ड्रीमवर्क्स और फिल्म के लिए चौथा सबसे बड़ा शुरुआती हफ्ता होने के अलावा इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी
और इसे एकेडमी पुरस्कार के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, लेकिन दोनों पुरस्कार वाल ए से हार गए और फिल्म की सफलता ने एक मल्टी मीडिया फ्रेंच चैनीजी को जन्म दिया, जिसमें जो है कुंग फू पांडा 2011 में रिलीज हुई और फिर कुंग फू पांडा 3 2016 में रिलीज हुई। उसके बाद कुंग फू पांडा 4 मूवी साल 2024 में रिलीज होने वाली है। आइए दोस्तों अब एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी को। दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है शांति की घाटी में प्राचीन चीन में वहाँ पे मानवरूपी जानवरों का निवास स्थान विशाल पांडा पो मिस्टर पिक नाम के अपने दत्तक हंस पिता की मदद करते हैं। वही अपना जो है नूडल रेस्तरा भी चलाते हैं और वहाँ पे फ्यूरियस 5 मास्टर जो है वहाँ पे थे, जो कि टाइग्रेस बंदर क्रेन और फिर वहाँ पे वाइपर के साथ लड़ने का सपना देखते हैं। और वहाँ पे बेस्टी जो है कुंग फू और फिर जो है मास्टर्स का एक समूह जो है फिल्म में और वह जेड पैलेस में रहते हैं। यहाँ पे उन्हें मास्टर सिफू एक सनकी लाल पांडा द्वारा प्रशिक्षित करवाते हैं। फिर एक दिन वहाँ पे बुद्धिमान वो कछुआ आता है, जो कि मास्टर जो है ओगवे ने भविष्यवाणी की थी कि सिफू का पूर्व हिम जो है तेंदुआ यानी कि शिष्य ताई होगा, जहाँ पे ताई लुंग जेल से भाग जाते हैं और वहाँ पे ड्रैगन स्क्रॉल आते हैं जो कि प्राप्ति करने के लिए घाटी पर हमला करेगा। वहीं पे एक पौराणिक जो है काला कृति जिसे उसने पहले ही अस्वीकार कर दिया था, फिर वह घबरा कर उससे सिफू ने मंगोलिया के चोर को ले गया, जहाँ पे वह सुरक्षा बढ़ाने के लिए जेंग नाम के एक हंस को भेजा, जहाँ पे ताई लुंग को खड़ा किया गया था फिल्म के अंदर। अब इस कहानी में उसी समय सिफू 5 के लिए एक टूर्नामेंट आयोजित करता है ताकि वहाँ पे ओगवे ड्रैगन योद्धा की पहचान कर सके, जो कि स्क्रॉल पढ़ने के योग्य नायक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने जो है पात्रों को असीमित शक्ति प्रदान भी कर सकता है। वहीं पे पो मैदान में प्रवेश करने के लिए बहुत देर से पहुँचता है और अपनी जो है मूर्तियों को देखने के लिए बेताब हो चुका है और वह गलती से टूर्नामेंट के बीच में जो आतिशबाजी के कारण कुर्सी से उतर गया। वहीं पे ओगवे ने पो को ड्रैगन योद्धा घोषित किया और जब जो है ये सब कुछ हुआ तो वहीं पे ओगवे के फैसले को एक दुर्घटना बांधते हुए हैरान होते हुए दिखाया गया। वहीं पे सिफू जो है कठोर और प्रशिक्षण किया गया, जो कि व्यवस्था के साथ पो को खत्म करने की कोशिश किया गया, जबकि वहाँ पे 5 पो को एक उत्साही व्यक्तित्व के रूप में खारिज कर दिया गया, जिसमें कुंग फू पांडा में कोई भी जो क्षमता नहीं है। फिर जो है पो छोड़ने पर यहाँ पे विचार करता है, लेकिन वहाँ पे ओगवे से प्रोत्साह प्राप्त करने के बाद वह अपना प्रशिक्षण जारी रखता है, जहाँ पे धीरे धीरे अपने जो है आली चेपर के साथ काम किया, वहीं पे कौशल और अच्छे हास्य के साथ पांचों से दोस्ती कर लेता है कहानी में। और इसी दौरान पो को पता चलता है कि सिफू का ठंडा और दूर का व्यवहार ताई लुंग के विश्वासघात पर उसकी खुद की शर्मिंदगी से उपज चुका है, जिसने उसे बचपन से बड़ा किया है। वहीं पे चोर गेम जेल में जेंग की काम के ऊपर जो है रखा हुआ है और जेंग की चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देता है और वहीं पे ताई लुंग वहाँ से फिर भाग जाता है। सिफू ने वहाँ पे ओगवे को घटना के बारे में सूचित किया, जिसमें जो है कछुआ शामिल है। सिफू को आड़ू के फूलों की एक धारा में आत्मा क्षेत्र में जाने से पहले पो को ड्रैगन योद्धा के रूप में विश्वास करने का वादा करवाता है। कहानी में सिफू और पो और फिर जो है पांचों को ताई लुंग के भागने की सूचना देते हैं और पो को बताते हैं कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो उसे रोक सकते हैं। वहीं पे वह जो है ठगा हुआ महसूस करते हुए ताई ग्रोस गुस्से में से वहाँ पे सिफू को समझने की कोशिश करता है कि वह ताई लुंग के भागने की तैयारी के लिए कई वर्षों से पांचों को प्रशिक्षण दे रहा है, लेकिन सिफू उसे बताते हैं कि ताई लुंग को रोकना पो की नियति है। और ये जो है सुनकर कि ओगवे गुजर गया है और इससे भी ज़्यादा वो नाराज हो जाता है। ओगवे गुजर चुका है तो ताई लुंग और फिर जो है तेजी से वहाँ पे आते हैं और पो भी वहाँ पे आ जाता है, जो अभी भी कुंग फू के साथ कोई भी जो है प्रगति नहीं कर पा रहा है। भागने का प्रयास करता है वहाँ से, लेकिन सिफू उसे रोक देता है। फिर पो फिर जो है सिफू को ये स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि वह नहीं जानता कि ड्रैगन योद्धा के लिए पांडा को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। वहीं पे बाधित होकर ये सुन लेती है और पांचों को ताई लुंग को रोकने के गुप्त प्रयास में उसे लेकर जाते हैं। अब वहीं पर इस बीच सिफू को पता चलता है कि भोजन से प्रेरित होने पर वो प्रभावशाली जो है शारीरिक
कर्तव्य दिखाता है, कर्तव्य दिखाने में सक्षम है और इन कर्तव्यों को एक अभिव्यक्ति कुर्फू या फिर शैली शामिल करके पो को हमें सफलतापूर्वक जो है प्रशिक्षित कर देते हैं। उसके बाद द फ्यूरियस फाइव जो है वहाँ पे आते हैं। द फ्यूरियस फाइव ताइलुंग से लड़ता है, हालांकि वहाँ पे क्रेन को छोड़कर सभी जल्द ही उसकी नरवा स्ट्राइक जो है टेक्निकी से हार गए थे, जहाँ पे क्रेन जो है टाइग्रेस के साथ काम किया, जहाँ पे वाइपर बंदर और बेटिस को यहाँ पे जेड के साथ रखा गया था। जेड वहीं पे पैलेस में वापस से उसे लेकर जाती है, जहाँ पे शिफू उन्हें पुनर्जीवित करता है और फिर जो है निर्णय लेता है कि पो ड्रैगन और स्क्रोल प्राप्त करने के लिए तैयार है। जब पो इसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि स्क्रोल एक खाली प्रतिबिंब सतह के अलावा और कुछ नहीं है, जो कि निराश होकर पो और पांचों ने घाटी के निवासियों को निकाल दिया, जबकि शिफू अकेले ताई लुंग का सामना करने के लिए तैयार हो गया, जो कि व्याकुल पो को वहीं पे छोड़ देता है। और सांत्वना देने की कोशिश में श्री पिग ने खुलासा किया था कि उनके गुप्ते घाटक पो में जो है बदल गया है, जो कि गुप्त या फिर घटक नहीं है, और ये समझते हुए कि विश्वास के साथ चीज़ें जो है विशेष बन सकती है। इस कहानी में ये सब कुछ महसूस करते हुए कि ये जो है ड्रैगन स्क्रोल का संदेह है, फिर पो शिफू की मदद करने के लिए वापस वहाँ पे आता है। जेड पैलेस पे तबाही बचा चुका था और उसके बाद वहाँ पे लोग शिफू पर हावी हो जाता है और स्क्रोल का स्थान जानने की मांग करता है, जहाँ पर कहानी में देखने को मिलता है पो फिर जो है ड्रैगन और फिर जो है स्क्रोल के साथ बातचीत करने में लगा हुआ है, जहाँ पे ताइलुंग को युद्ध के लिए चुनौती देता है। फिर पो एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी साबित होता है, जो अपनी जो है यहाँ पे भ्रमित करने वाली लड़ाई टेक्निकियों से ताइलुंग को निराश करता है। ताइलुंग अंत तक जो है जीत जाता है, लेकिन खाली स्क्रोल से निराशा भी नहीं है और अपना गुस्सा पो पर जो है निकालता है, ये पता चलने पर कि उसके शरीर के चर्बी उसे ताइलुंग के यहाँ पे तंत्रिका जो है हमलों के प्रति प्रतिरिक्ष बना पाएगा। फिर पो अपने जो है प्रतिद्वंदी को अपनी नई कुनफू शैली से पराजित करता है और अंत तक जो है बूशी फिंगर होल्ड और फिर जो है टेक्निकी का उपयोग करके उसे आत्म क्षेत्र में भेज देता है। पोको घाटी द्वारा यहाँ पे सम्मानित किया जाता है और उसे टाइग्रेस एड के साथ फ्यूरियस फाइव का सम्मान मिलता है। क्रेडिट के बाद के एक दृश्य में शिफू और पो एक साथ जो भोजन करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि शिफू द्वारा पहले लगाया गया आडू जो है पृष्ठभूमि में एक पेड़ बच जाता है। और ये कहानी आपको कुनफू पांडा में देखने को मिलता है। ये कुनफू पांडा की पहली पार्ट है जो 2008 में रिलीज हुई थी। इसी के साथ दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बात कर ले तो दोस्तों बता दें ड्रीम वर्क्स एनिमेशन ने पहले अपने बंद हो चुके वीडियो गेम जो है और इसके अलावा डिवीजन जो है ड्रीम वर्क्स एंडर टीवी में काम किया था। एंडर जो है एक्टिव से जिसे अब जो है डेंजर क्लोज गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। और वह भी आपको बता दें उनके तहत इस तरह के जो है आधार पर प्ले स्टेशन किया और वीडियो गेम जो है टाइफो रिलीज किया था, जो रेड ऑफ द यहाँ पे टाइगर का निर्माण किया गया था 2004 में। 2004 के वसंत में एक एरिक जो है वहाँ पे व्हीट गार्डन ने सील लोरिक की एक जो है सेटिंग लिखी, जो कि वहाँ पे रूड यार्ड और फिर जो है बीक लिंक की गई और ये चीज़ देखने को मिला था। द यहाँ पे हवाइट सील की शुरुआती जो है कविता थी, इसे जो है डीम वर्क से एक एनिमेशन फीचर के लिए अनुकूलित करने का इरादा किया था। कुछ हफ्ता बाद इस विचार को त्यागने और इसके जो है बजाय कुनफू पांडा के लिए उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। वही भी दोस्तों फिल्म पर जो है प्रचारित काम अक्टूबर 2004 में शुरू हुआ। सितंबर 2005 में ड्रीम वर्क्स ने जैक ब्लैक के साथ फिल्म की घोषणा की थी, जिसे जो है मुख्य वॉइस स्टार के रूप में चुना गया। नवंबर 2005 में जो है ड्रीम वर्क्स ने घोषणा किया था कि स्टीन डॉस्टिन जो है हाफ में जैकी चैन और फिर जो है लूसी लियू और डायन जो है मैक सेन के साथ इसमें आवाज़ ड्रॉप करेंगे, जो कि जैक ब्लैक के साथ जो है कलाकारों में शामिल होंगे। ये दूसरी जो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन फिल्म भी है जिसमें जो है ब्लैक और एंजेलिना जोली ने एक साथ अभिनय किया है और पहले 2004 की शॉर्ट कॉट में या फिर शॉर्ट ट्रेल में देखा गया था इन दोनों को अंदर। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का विचार जो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन के कार्यकारी जो है माइकल लेंचेस द्वारा तैयार किया गया था, जो कि प्रारंभ में विचार इसे एक स्पूफ बनाने का था, लेकिन सह निर्देशक जॉर्ज स्टीवेंसन इसमें विशेष रूप से जो उत्सुकता नहीं थे और इसके बजाय उन्होंने एक चरित्र यहाँ पे आधारित और फिर जो है बुक्स या कॉमेडी की दिशा में उन्होंने अपना रुख किया।
कथित तौर पर जो है स्टीफन चाओ की 2004 की मार्शल आर्ट एक्सेस कॉमेडी फिल्म जो कुर्फू हसल से प्रेरित था। शायद उद्देश्य किए जो सुरक्षित करना चाहते थे कि फिल्म में एक पौराणिक जो है चीनी और कुर्फू का अनुभव भी हो, जो कि प्रोडक्शन डिजाइनर रेबर्ड के साथ मिलकर काम करे वहीं पे जी बैक और फिर जो है कला निर्देशक जो है तंग हेंग ने फिल्म का स्वरूप तैयार करने में मदद के लिए चीनी जो है चित्रकला और फिर जो है मूर्ति कला के साथ बातचीत किया, जो कि वास्तुकला और फिर जो है कुर्फू फिल्मों पर शोध करने में वर्षों बिताए थे। जहाँ पे जी बैक ने कहा था कि उनके लिए कुछ सबसे बड़े जो है प्रभाव हीरो हाउस ऑफ यानी कि फ्लाइंग और फिर जो है डिगर्स हो सकता है, जो कि वहाँ पे क्राउचिंग जो है टाइगर हिडन और ड्रैगन जैसी जो है अधिक कलात्मक जो है मार्शल आर्ट फिल्मों में है। इस फिल्म के लिए यहाँ पे स्टीन वेल्सर का उद्देश्य जिसे बनाने में 4 साल लगे वहीं पे ड्रीम वर्क्स द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे जो अच्छी दिखने वाली फिल्म में से एक इसको माना जाता है। इसी के साथ इस फिल्म की शुरुआत में हाथ से बनाया गया एनिमेशन जो है अनुक्रम और चीनी छाया के ऊपर जो है कठपुतली जैसा जो है बनाया गया था, जहाँ पे उद्घाटन जिसे जो है जेनिफर यू और फिर नेल्सन द्वारा निर्देशित किए गए थे और वहीं पे जेम्स जो है बैक्टसर द्वारा निर्मित किया गया था कि जहाँ पे न्यूयॉर्क शहर में टाइम्स के समीक्षक जो है मनोहला डर्गिस ने आकर्षक और अधिकांश मुख्यधारा की अमेरिकी एनिमेशन से दृष्टिगत रूप से जो है एक में प्रशंसा इसको की थी। अन्य समीक्षकों ने शुरुआत की थी तो हम बात करेंगे इस मूवीज की कहानी के बारे में। और दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कुंफू पांडा मूवीज को। तो अगर आप लोग अमेरिकन भाषा को हिंदी डब में देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें ये मूवी साल 2008 में रिलीज हुई अमेरिकी एनिमेशन मार्शल आर्ट कॉमेडी फिल्म है, जो कि ड्रीम वर्क एनिमेशन द्वारा इस मूवीज को निर्मित किया गया था और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा इस फिल्म को दुनिया भर में वितरित किया गया था। इसी के साथ दोस्तों कुंफू पांडा ये फिल्म जिसकी रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं, इस मूवीज को फ्रेंचाइजी में पहले किसके तौर पर जाना जाता है, जिसे जॉन स्टीवेंसन द्वारा निर्देशित किया गया था और उनके फीचर निर्देशन में पहली फिल्म है। वही भी आपको बता दें मार्क उस बोर्ड द्वारा सह निर्देशित किया गया था इस मूवीज को और उनके अलावा फिल्म में जोनाथन एबेल और ग्लेन बर्जर द्वारा इस फिल्म की कहानी लिखित की गई है। वही भी आपको बता दें साइरस बोरिस की कहानी से फिल्म में जैक ब्लैक उनके अलावा डस्टिन और हाफ मैन जो है एंजेलिना जोली इस में अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। उनके अलावा यार मैक्सिन और फिर जो है सेठ रोजन भी इसमें थे। लूसी लियो को भी इसमें देखा गया था। दोस्तों ये फिल्म उस वक्त रिलीज हुई थी साल 2008 में और उस वक्त सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में इसे जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का प्रचारित काम अक्टूबर 2004 में शुरू हुआ और इसकी कल्पना ड्रीम वर्क्स एनिमेशन के कार्यकारी माइकल लेचेस ने देखा था। माइकल यहाँ पे लेचेस ने मूल रूप से मार्शल आर्ट फिल्मों की पैरोडी के रूप में की थी, हालांकि निर्देशक जो है एस्टी वेजन ने इसके बजाय एक एक्सेस कॉमेडी और फिर जो है बुक्स या फिल्म बनाने का फैसला किया था इससे पहले, जिसमें जो है मुख्य किरदार के लिए नायक की यात्रा की कथा को शामिल किया गया था। वही जिसमें कंप्यूटर एनिमेशन इस बार जो है था, लेकिन वहाँ पर ड्रीम वर्क्स द्वारा पहले की गई किसी भी चीज़ की तुलना में अधिक जो है जटिल था इस फिल्म की कहानी। वहीं पे परियोजना की आधिकारिक घोषणा सितंबर 2005 में की गई थी और फिर कुंफू पांडा के लिए स्कोर अधिकांश ड्रीमवर्क्स और फिर एनिमेशन फिल्मों की तरह हर्ष जीवर द्वारा तैयार किया गया था। इस बार वहाँ पे जॉन जो है पावेल के साथ सहयोग करते हुए पूर्वज संस्कृति को आत्मसात करने के लिए चीन का दौरा किया और चीन यहाँ पे नेशनल जो है सिम्फनी के साथ यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा का उपयोग किया और वहीं पे स्कोरिंग जो है प्रक्रिया के भाग के रूप में काम किया था। इसी के साथ दोस्तों कुंफू पांडा फिल्म को सीधे 6 जून 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसने रिलीज होने के बाद 130 मिलियन डॉलर के बजट पर बनी 631.7 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे ये फिल्म 2008 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और दुनिया भर में साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म में से एक रही थी। वही दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को सबसे बेहतरीन एनिमेशन फिल्म का अवार्ड भी दिया गया, जहाँ पे फ्रेंचाइजी के बाद अमेरिकी और कनाडाई बॉक्स ऑफिस पर जो है ड्रीमवर्क्स और फिल्म के लिए चौथे
चौथा सबसे बड़ा शुरुआती हफ्ता होने के अलावा इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी और इसे अकेडमी पुरस्कार के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, लेकिन दोनों पुरस्कार वाल ए से हार गए और फिल्म की सफलता ने एक मल्टी मीडिया फ्रेंच चैनीजी को जन्म दिया, जिसमें जो है कुंग फू पांडा 2011 में रिलीज हुई और फिर कुंग फू पांडा 3 2016 में रिलीज हुई। उसके बाद कुंग फू पांडा 4 मूवी साल 2024 में रिलीज होने वाली है। आइए दोस्तों अब एक्सप्लेन कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी को। दोस्तों फिल्म में देखने को मिलता है शांति की घाटी में प्राचीन चीन में वहाँ पे मानवरूपी जानवरों का निवास स्थान विशाल पांडा पो मिस्टर पिक नाम के अपने दत्तक हंस पिता की मदद करते हैं। वही अपना जो है नूडल रेस्तरा भी चलाते हैं और वहाँ पे फ्यूरियस 5 मास्टर जो है वहाँ पे थे, जो कि टाइग्रेस बंदर क्रेन और फिर वहाँ पे वाइपर के साथ लड़ने का सपना देखते हैं। और वहाँ पे बेस्टी जो है कुंफू और फिर जो है मास्टर्स का एक समूह जो है फिल्म में और वह जेड पैलेस में रहते हैं। यहाँ पे उन्हें मास्टर सिफू एक सनकी लाल पांडा द्वारा प्रशिक्षित करवाते हैं। फिर एक दिन वहाँ पे बुद्धिमान वो कछुआ आता है, जो कि मास्टर जो है ओगवे ने भविष्यवाणी की थी कि सिफू का पूर्व हिम जो है तेंदुआ यानी कि शिष्य ताई होगा, जहाँ पे ताई लुंग जेल से भाग जाते हैं और वहाँ पे ड्रैगन स्क्रॉल आते हैं जो कि प्राप्ति करने के लिए घाटी पर हमला करेगा। वहीं पे एक पौराणिक जो है काला कृति जिसे उसने पहले ही अस्वीकार कर दिया था, फिर वह घबरा कर उससे सिफू ने मंगोलिया के चोर को ले गया, जहाँ पे वह सुरक्षा बढ़ाने के लिए जेंग नाम के एक हंस को भेजा, जहाँ पे ताई लुंग को खड़ा किया गया था फिल्म के अंदर। अब इस कहानी में उसी समय सिफू 5 के लिए एक टूर्नामेंट आयोजित करता है ताकि वहाँ पे ओगवे ड्रैगन योद्धा की पहचान कर सके, जो कि स्क्रॉल पढ़ने के योग्य नायक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने जो है पात्रों को असीमित शक्ति प्रदान भी कर सकता है। वहीं पे पो मैदान में प्रवेश करने के लिए बहुत देर से पहुँचता है और अपनी जो है मूर्तियों को देखने के लिए बेताब हो चुका है और वह गलती से टूर्नामेंट के बीच में जो आतिशबाजी के कारण कुर्सी से उतर गया। वहीं पे ओगवे ने पो को ड्रैगन योद्धा घोषित किया और जब जो है ये सब कुछ हुआ तो वहीं पे ओगवे के फैसले को एक दुर्घटना बांधते हुए हैरान होते हुए दिखाया गया। वहीं पे सिफू जो है कठोर और प्रशिक्षण किया गया, जो कि व्यवस्था के साथ पो को खत्म करने की कोशिश किया गया, जबकि वहाँ पे 5 पो को एक उत्साही व्यक्तित्व के रूप में खारिज कर दिया गया, जिसमें कुंग फू पांडा में कोई भी जो क्षमता नहीं है। फिर जो है पो छोड़ने पर यहाँ पे विचार करता है, लेकिन वहाँ पे ओगवे से प्रोत्साह प्राप्त करने के बाद वह अपना प्रशिक्षण जारी रखता है, जहाँ पे धीरे धीरे अपने जो है आली चेपर के साथ काम किया, वहीं पे कौशल और अच्छे हास्य के साथ पांचों से दोस्ती कर लेता है कहानी में। और इसी दौरान पो को पता चलता है कि सिफू का ठंडा और दूर का व्यवहार ताई लुंग के विश्वासघात पर उसकी खुद की शर्मिंदगी से उपज चुका है, जिसने उसे बचपन से बड़ा किया है। वहीं पे चोर गेम जेल में जेंग की काम के ऊपर जो है रखा हुआ है और जेंग की चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देता है और वहीं पे ताई लुंग वहाँ से फिर भाग जाता है। सिफू ने वहाँ पे ओगवे को घटना के बारे में सूचित किया, जिसमें जो है कछुआ शामिल है। सिफू को आडू के फूलों की एक धारा में आत्मा क्षेत्र में जाने से पहले पो को ड्रैगन योद्धा के रूप में विश्वास करने का वादा करवाता है। कहानी में सिफू और पो और फिर जो है पांचों को ताई लुंग के भागने की सूचना देते हैं और पो को बताते हैं कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो उसे रोक सकते हैं। वहीं पे वह जो है ठगा हुआ महसूस करते हुए ताई ग्रोस गुस्से में से वहाँ पे सिफू को समझने की कोशिश करता है कि वह ताई लुंग के भागने की तैयारी के लिए कई वर्षों से पांचों को प्रशिक्षण दे रहा है, लेकिन सिफू उसे बताते हैं कि ताई लुंग को रोकना पोकी नियति है। और ये जो है सुनकर कि ओगवे गुजर गया है और इससे भी ज़्यादा वो नाराज हो जाता है। ओगवे गुजर चुका है तो ताई लुंग और फिर जो है तेजी से वहाँ पे आते हैं और ही पो भी वहाँ पे आ जाता है, जो अभी भी कुंफू के साथ कोई भी जो है प्रगति नहीं कर पा रहा है। भागने का प्रयास करता है वहाँ से, लेकिन सिफू उसे रोक देता है। फिर पो फिर जो है सिफू को ये स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि वह नहीं जानता कि ड्रैगन योद्धा के लिए पांडा को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। वहीं पे बाधित होकर ये सुन लेती है और पांचों को ताई लुंग को रोकने के गुप्त प्रयास में उसे लेकर जाते हैं।
अब वहीं पर इस बीच सिफू को पता चलता है कि भोजन से प्रेरित होने पर वो प्रभावशाली जो है शारीरिक कर्तव्य दिखाता है, कर्तव्य दिखाने में सक्षम है और इन कर्तव्यों को एक अभिव्यक्त कुर्फू या फिर शैली शामिल करके पो को अब सफलतापूर्वक जो है प्रशिक्षित कर देते हैं। उसके बाद द फ्यूरियस फाइव जो है वहाँ पे आते हैं। द फ्यूरियस फाइव ताइलुंग से लड़ता है, हालांकि वहाँ पे क्रेन को छोड़कर सभी जल्द ही उसकी दरवा स्ट्राइक जो है टेक्निकी से हार गए थे, जहाँ पे क्रेन जो है टाइग्रेस के साथ काम किया, जहाँ पे वाइपर बंदर और बेटिस को यहाँ पे जेट के साथ रखा गया था। जेड वाई पे पैलेस में वापस से उसे लेकर जाती है, जहाँ पे शिफू उन्हें पुनर्जीवित करता है और फिर जो है निर्णय लेता है कि पो ड्रैगन और स्क्रोल प्राप्त करने के लिए तैयार है। जब पो इसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि स्क्रोल एक खाली प्रतिबिंब सतह के अलावा और कुछ नहीं है, जो कि निराश होकर पो और पांचों ने घाटी के निवासियों को निकाल दिया, जबकि शिफू अकेले ताई लुग का सामना करने के लिए तैयार हो गया, जो कि व्याकुल पो को वहीं पे छोड़ देता है। और सांत्वना देने की कोशिश में श्री पिग ने खुलासा किया था कि उनके गुप्त घाटक पो में जो है बदल गया है, जो कि गुप्त या फिर घटक नहीं है, और ये समझते हुए कि विश्वास के साथ चीज़ें जो है विशेष बन सकती है। इस कहानी में ये सब कुछ महसूस करते हुए कि ये जो है ड्रैगन स्क्रोल का संदेह है, फिर पो शिफू की मदद करने के लिए वापस वहाँ पर आता है। जेड पैलेस पे तबाही बचा चुका था और उसके बाद वहाँ पे लोग शिफू पर हावी हो जाता है और स्क्रोल का स्थान जानने की मांग करता है, जहाँ पर कहानी में देखने को मिलता है पो फिर जो है ड्रैगन और फिर जो है स्क्रोल के साथ बातचीत करने में लगा हुआ है, जहाँ पे ताइलुंग को युद्ध के लिए चुनौती देता है। फिर पो एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी साबित होता है, जो अपनी जो है यहाँ पे भ्रमित करने वाली लड़ाई टेक्निकियों से ताइलुंग को निराश करता है। ताइलुंग अंत तक जो है जीत जाता है, लेकिन खाली स्क्रोल से निराशा भी नहीं है और अपना गुस्सा पो पर जो है निकालता है। ये पता चलने पर कि उसके शरीर के चर्बी उसे ताइलुंग के यहाँ पे तंत्रिका जो है हमलों के प्रति प्रतिरिक्ष बना पाएगा, फिर पो अपने जो है प्रतिद्वंदी को अपनी नई कुनफू शैली से पराजित करता है और अंत तक जो है बूशी फिंगर होल्ड और फिर जो है टेक्निकी का उपयोग करके उसे आत्म क्षेत्र में भेज देता है। पोको घाटी द्वारा यहाँ पे सम्मानित किया जाता है और उसे टाइग्रेस एड के साथ जो फ्यूरियस फाइव का सम्मान मिलता है। क्रेडिट के बाद के एक दृश्य में शिफू और पो एक साथ जो भोजन करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि शिफू द्वारा पहले लगाया गया आडू जो पृष्ठभूमि में एक पेड़ बच जाता है। और ये कहानी आपको कुनफू पांडा में देखने को मिलता है। ये कुनफू पांडा की पहली पार्ट है जो 2008 में रिलीज हुई थी। इसी के साथ दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बात कर ले तो दोस्तों बता दें ड्रीम वर्क्स एनिमेशन ने पहले अपने बंद हो चुके वीडियो गेम जो है और इसके अलावा डिवीजन जो है ड्रीम वर्क्स एंडर टीवीस में काम किया था। एंडर जो है एक्टिव से जिसे अब जो है डेंजर क्लोज गेम्स के नाम से भी जाना जाता है, और उन्हें भी आपको बता दें उनके तहत इस तरह के जो है आधार पर प्ले स्टेशन किया और वीडियो गेम जो है टाइफू रिलीज किया था, जो रेड ऑफ द यहाँ पे टाइगर का निर्माण किया गया था 2004 में। 2004 के वसंत में एक एरिक जो है वहाँ पे व्हीट गार्डन ने सील लोरिक की एक जो है सेटिंग लिखी, जो कि वहाँ पे रूड यार्ड और फिर जो है बीक लिंक की गई, और ये चीज़ देखने को मिला था। द यहाँ पे हवाइट सील की शुरुआती जो है कविता थी, इसे जो है डीम वर्क से एक एनिमेशन फ्यूचर के लिए अनुकूलित करने का इरादा किया था। कुछ हफ्ता बाद इस विचार को त्यागने और इसके जो है बजाय कुनफू पांडा के लिए उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। वही भी दोस्तों फिल्म पर जो है प्रचारित काम अक्टूबर 2004 में शुरू हुआ। सितंबर 2005 में ड्रीम वर्क्स ने जैक ब्लैक के साथ फिल्म की घोषणा की थी, जिसे जो है मुख्य वॉइस स्टार के रूप में चुना गया। नवंबर 2005 में जो है ड्रीम वर्क्स ने घोषणा किया था कि स्टीन डस्टिन जो है हाफ में जैकी चैन और फिर जो है लूसी लियू और डायन जो है बैक सेन के साथ इसमें आवाज ड्रॉप करेंगे, जो कि जैक ब्लैक के साथ जो है कलाकारों में शामिल होंगे। ये दूसरी जो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन फिल्म भी है जिसमें जो है ब्लैक और एंजेलिना जोली ने एक साथ अभिनय किया है, और पहले 2004 की शॉर्ट कॉट में या फिर शॉर्ट टेल में देखा गया था इन दोनों को अंदर। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का विचार जो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन के कार्यकारी जो है माइकल जो है लेंचेस द्वारा तैयार किया गया था, जो कि प्रारंभ में विचार इसे एक स्पूफ बनाने का था,
लेकिन सह निर्देशक जॉर्ज स्टीवन सर इसमें विशेष रूप से जो उत्सुकता नहीं थे और इसके बजाय उन्होंने एक चरित्र यहाँ पे आधारित और फिर जो है बुक्स या कॉमेडी की दिशा में उन्होंने अपना रुख किया। कथित तौर पर जो है स्टीफन चाओ की 2004 की मार्शल आर्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म जो है कुनफू हसल से प्रेरित था। सह निर्देशक ये जो सुरक्षित करना चाहते थे कि फिल्म में एक पौराणिक जो है चीनी और कुनफू का अनुभव भी हो, जो कि प्रोडक्शन डिजाइनर रेबर्ड के साथ मिलकर काम करे वहीं पे जी बैक और फिर जो है कला निर्देशक जो है तंग हेंग ने फिल्म का स्वरूप तैयार करने में मदद के लिए चीनी जो है चित्रकला और फिर जो है मूर्ति कला के साथ बातचीत किया, जो कि वास्तुकला और फिर जो है कुनफू फिल्मों पर शोध करने में वर्षों बिताए थे। जहाँ पे जी बैक ने कहा था कि उनके लिए कुछ सबसे बड़े जो है प्रभाव हीरो हाउस ऑफ फ्यूरी की फ्लाइंग और फिर जो है डेगर्स हो सकता है, जो कि वहाँ पे क्राउची जो है टाइगर हिडन और ड्रेगन जैसी जो है अधिक कलात्मक जो है मार्शल आर्ट फिल्मों में है। इस फिल्म के लिए यहाँ पे स्टीन वेंसर का उद्देश्य जिसे बनाने में 4 साल लगे वहीं पे ड्रीम वर्क्स द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे जो अच्छी दिखने वाली फिल्म में से एक इसको माना जाता है। इसी के साथ इस फिल्म की शुरुआत में हाथ से बनाया गया एनिमेशन जो अनुक्रम और चीनी छाया के ऊपर जो है कठपुतली जैसा जो है बनाया गया था, जहाँ पे उद्घाटन जिसे जो है जेनिफर यू और फिर नेल्सन द्वारा निर्देशित किए गए थे और वहीं पे जेम्स जो है बैक्टसर द्वारा निर्मित किया गया था कि जहाँ पे न्यूयॉर्क शहर में टाइम्स के समीक्षक जो है मनोहला डर्गिस ने आकर्षक और अधिकांश मुख्य धारा की अमेरिकी एनिमेशन से दृष्टिगत रूप से जो है एक में प्रशंसा इसको की थी। अन्य समीक्षकों ने शुरुआत की तुलना में वहाँ पे जेडी और टाटा कोस्वी की कार्टून नेटवर्क जो है श्रृंखला और फिर जो है समुराई जैकी की विचारों तेजक जो है शैली से भी आगे गए थे। फिल्म का बाकी हिस्सा आधुनिक कंप्यूटर एनिमेशन से बनाया गया, जो कि चीनी के प्राकृतिक जो है परिदृश्य को उजागर करने के लिए चमकीले अनोखे रंगों का उपयोग किया गया है। अंतिम क्रेडिट में अनुक्रम में हाथ से बनाए गए पात्र और पृष्ठभूमि में स्थिति जो है पेंटिंग भी शामिल किया गया था कहानी में। वही आपको बता दें, पूरी फिल्म में इस्तेमाल किया गया था जो कंप्यूटर एनिमेशन ड्रीम वर्क्स द्वारा पहले किए गए किसी भी काम की तुलना में अधिक जटिल था। जब प्रोडक्शन के प्रमुख ने VFX सुपरवाइजर जो है मार्कस और फिर जो है बेनी डेनी को स्क्रिप्ट सौंपी तो वह एक कथित तौर पर जो हंसे और उन्हें शुभकामनाएं दी। जब हमने बात करना शुरू किया था तब देखने को मिला था जहाँ पे बंदीने ने कहा था कि फिल्म अभी भी एक ऊंच जो है अवधारणा की तरफ ले जाएगा, लेकिन वहाँ पे जिसने इसे जो है देखा है उसके लिए ये जटिलता के रूप में सामने आएगी। हमने यह कहकर एक शुरुआत की थी। वहीं पे आप इस फिल्म को यहाँ पे मूर्त कैसे बना सकते ये भी देखने को मिला, जो कि आप स्मार्ट कैसे पा सकते हैं इस दुनिया को इस तरह से जीवंत करने के तरीके की ये एक महान फिल्म बन जाए और ऐसा महसूस ना हो कि जटिलताएँ कहानी की चालबाज बन जाए बल्कि कहानी और भावनाएं जो है चालक बन जाती है। तैयारी में एनिमेशन ने एक कदम उठाया, वहीं पे 6 घंटे की कुनफू का एक शूट किया गया था। इस फिल्म को निर्माता यहाँ पे मिलिशा कोव ने कहा था कि मूल रूप से वो अधिक जो है बेवकूफ था, लेकिन यहाँ पे जैक ब्लैक को सुनने के बाद उसका चित्रण जो है बदल गया था, उसका चरित्र बदल गया फिल्म में। फिर ब्लैक के अनुसार उन्होंने ज़्यादातर जो है अलगाव में काम किया, हालांकि उन्होंने और यहाँ पे डस्टिन जो हॉफमैन ने एक साथ एक दिन बिताया। इससे जो है कॉव ने कहा था कि इससे उस दृश्य में मदद मिली जहाँ पे उनके पात्रों का यहाँ पे आमना सामना भी होता है। जहाँ पे लूसी लियो ने कहा था कि फिल्म काफ़ी जो है अलग थी क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया थी, जब वह चलती थी तो यहाँ पे ऐसी दिखती थी कि एक बेहतरीन कहानी हो। वहीं पे दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का विश्व प्रीमियर 15 मई 2008 को 61वें कॉन्स फिल्म महत्व शो में हुआ था, जहाँ पे फिल्म की स्क्रीनिंग के एंडिंग में इससे भारी तालियां मिली थी और बाद में कुनफू पांडा राष्ट्रीय प्रीमियर 2008 को अमेरिका में आईमैक्स में हॉलीवुड लॉस एंजलिस और फिर कैलिफोर्निया में AMC और फिर जो है रीगल एंटरटेनमेंट ग्रुप में हुआ था। 26 जून 2008 को लंदन के यहाँ पे लिस्टेसर जो है यहाँ पे स्क्वारल में किया गया। कुनफू पांडा को बेस्ट बॉय यानी कि एक्सक्लूसिव के रूप में 9 नवंबर 2008 को DVD और ब्लूरे पर और 6 दिसंबर 2011 को 3D ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। कुनफू पांडा की DVD डबल पैक रिलीज में एक लघु जो है एनिमेशन फिल्म और फिर जो है सीक्रेट्स ऑफ द फ्यूरियस 5 है,
सीक्रेट ऑफ फ्यूरियस 5 शामिल है और 2008 में ये सब चीज़ें किया गया था। फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में अगर बात कर ले तो इस फिल्म ने अपने शुरुआती हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया और 4114 थिएटरों में इसको रिलीज किया गया था, जहां से इसने 14662 की औसत कमाई के साथ 60 बिलियन से अधिक की कमाई किया डॉलर में, और फिर जो है विश्लेषकों की अपेक्षा से कई बेहतर प्रदर्शन किया था। ये फिल्म उस समय की किसी भी ग्रेजुएट सीक्वल और फिर जो है ड्रीम वॉर्स एनिमेशन फिल्म के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाली ओपनिंग मूवी थी। अपने दूसरे हफ्ते में फिल्म जो है 4136 थिएटरों तक के विस्तार करने के बाद 8127 के औसत के साथ कमाई किया, जो कि 33.6 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली द इनक्रेडिबल हल्क के बाद हुआ था। वहीं पर 44% जो है पीछे दूसरे स्थान पर रैंकिंग किया था। रिलीज के 125 दिनों के बाद ये मूवी 2 अक्टूबर 2008 को बंद हो गया था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का और कनाडा में 215 मिलियन से अधिक की कमाई इस मूवी से कर लिया था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने रिव्यू किया कुंफू पांडा मूवी को, जो 2008 में रिलीज हुई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस मूवीज को हिंदी डब में देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।